द्वितीय खंड, ब्रह्मचर्य की महिमा। ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ है वह आचार जिससे ब्रह्म अथवा आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसका अर्थ है वीर्य पर अधिकार, वेदों का अध्ययन तथा भगवत चिंतन। ब्रह्मचर्य का पारिभाषिक अर्थ है आत्मसंयम, विशेष रूप से जननेन्द्रिय पर अधिकार अथवा पूर्ण नियंत्रण अथवा विचार, वाणी तथा कर्म में कामुकता से मुक्ति। पूर्ण जितेंद्रियता केवल मैथुन से ही नहीं अपितु स्वरत्यात्मक प्रकटीकरण, हस्त मैथुन, समलिंग कामी क्रियाएं तथा यौन विकृत आचरणों से अलग रहना है। इसके अतिरिक्त इसमें काम विषयक कल्पनाओं तथा कामोद्दीपक दिवा स्वप्न में निरति से चिरस्थायी निवृत्ति का भी समावेश होना चाहिए। सभी प्रकार की यौन विकृतियों तथा हस्तमैथुन, गुदा मैथुन आदि विविध प्रकार की बुरी आदतों का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन करना चाहिए। ये स्नायु तंत्र में पूर्ण खराबी तथा अपरिमेय दुख उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मचर्य विचार, वाणी तथा कर्म की पवित्रता है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन तथा इंद्रिय निग्रह है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन यापन का व्रत है। ब्रह्मचर्य केवल कुंवारापन नहीं है, इसमें जननेन्द्रिय का ही नहीं वरन विचार, वाणी तथा कर्म से अन्य समस्त इंद्रियों का निग्रह समाविष्ट है। यह ब्रह्मचर्य की व्यापक व्याख्या है। निर्वाण धाम का द्वार अखंड ब्रह्मचर्य है। पूर्ण ब्रह्मचर्य स्वर्गीय आनंद राज्य के द्वार खोलने की सर्व कुंजी है। परम शांति के धाम का मार्ग ब्रह्मचर्य से ही प्रारंभ होता है। काम वासना तथा कामुक विचारों से सर्वथा मुक्त रहना ही ब्रह्मचर्य है। यथार्थ ब्रह्मचारी स्त्री कागज, काष्ठ अथवा पाषाण को स्पर्श करने में कुछ भी भेद अनुभव नहीं करता है। ब्रह्मचर्य पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए आवश्यक है। भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीराबाई, सुलभा तथा गार्गी ये सभी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित थे। केवल पाशविक मनोविकार पर नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, यह अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आपको अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। कान जो अश्लील कहानियां सुनना चाहते हैं, कामुक नेत्र जो कामोत्तेजक पदार्थों को देखना चाहते हैं, जीवा जो कामोद्दीपक पदार्थ का स्वाद लेना चाहती है तथा त्वचा जो कामोत्तेजक पदार्थों का स्पर्श करना चाहती है। कामुक दृष्टि से देखना नेत्रों का व्यभिचार है। कामोत्तेजक विषय को सुनना कानों का व्यभिचार है तथा कामोद्दीपक बातें करना जीवा का व्यभिचार है। ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद। आपको सावधानी पूर्वक 8 प्रकार के उपभोगों से बचना चाहिए। ये हैं दर्शन अथवा स्त्रियों को कामुक अभिप्राय से देखना, स्पर्शन अथवा उन्हें स्पर्श करना, केली अथवा सविलास क्रीड़ा करना, कीर्तन अथवा अपने से विपरीत लिंगी के गुणों की प्रशंसा करना, गुह्य भाषण अथवा एकांत में संलाप करना, संकल्प अथवा दृढ़ निश्चय करना, अध्यवसाय अथवा तुष्टिकरण की कामना से अपने से विपरीत लिंगी के निकट जाना तथा क्रियानिवृत्ति अथवा वास्तविक संभोग क्रिया। ये 8 प्रकार के उपभोग अखंड ब्रह्मचर्य के अभ्यास में एक प्रकार के 8 विच्छेद हैं। आपको बड़ी सावधानी, सच्चे प्रयास तथा सजग अवधान से इन 8 अंतरायों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन सभी विच्छेदों से मुक्त है वही सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। एक सच्चे ब्रह्मचारी को इन सब 8 विच्छेदों का निष्ठुरता पूर्वक परिहार करना चाहिए। ब्रह्मचारी को कामुक दृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। उसे बुरी भावना से किसी स्त्री को स्पर्श करने अथवा उसके निकट जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे उसके साथ खेलना, मजाक करना अथवा बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो अपने मन में और ना अपने मित्रों के समक्ष किसी स्त्री के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। उसे स्त्री से एकांत में वार्ता नहीं करनी चाहिए और ना उसके संबंध में चिंतन ही करना चाहिए। उसे स्त्री से यौन सुख की विषय वासना नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को मैथुन से अवश्यमेव बचना चाहिए। यदि वह उपर्युक्त नियमों में से किसी को भी भंग करता है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन करता है। यद्यपि प्रथमोक्त 7 प्रकार के मैथुन वीर्य की वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाते, तथापि वीर्य रक्त से पृथक हो जाता है
और अवसर प्राप्त होते ही स्वप्न में अथवा अन्य किसी विधि से निकल जाने का प्रयास करता है। प्रथम 7 प्रकार के मैथुनों में व्यक्ति मन से ही काम उपभोग करता है। साधकों को काम विषय चर्चा में लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्हें स्त्री के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री का विचार प्रकट हो तो अपने इष्ट देवता की मूर्ति अपने मन में लाएं, मंत्र का जोर से जप करें। कामुक दृष्टि, कामुक विचार, स्वप्न दोष, ये सभी ब्रह्मचर्य भंग अथवा ब्रह्मचर्य से पतन हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध हो, दृष्टि दोष त्याग दें। कामुक दृष्टि स्वयं में ब्रह्मचर्य भंग है, इससे अंतःस्राव होता है, वीर्य अपने तंत्र से पृथक हो जाता है। सभी स्त्रियों में माँ काली का दर्शन करें, उदात्त दिव्य विचारों का पोषण करें, जप तथा ध्यान नियमित रूप से करें, आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शारीरिक ब्रह्मचर्य तथा मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मानसिक ब्रह्मचर्य अधिक महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं, किंतु आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना चाहिए। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम स्थूल शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। प्रथमतः शारीरिक ब्रह्मचर्य का अति नियम निष्ठा से अभ्यास करना चाहिए। जब कामावेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य शनय शनय प्रव्यक्त होगा। विषय सुख में वास्तव में निरत होने की अपेक्षा कम से कम कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण अवश्य में अच्छा है। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहें तो शनय शनय विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और अंततो गत्वा मन पर भी अपरोक्ष नियंत्रण हो जाएगा। मैथुन अथवा यौन संपर्क सभी बुरे विचारों को पुनर्जीवित करता तथा उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है। अतः प्रथमतः शरीर पर नियंत्रण करना चाहिए। प्रथम शारीरिक ब्रह्मचर्य को संधारण करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता अथवा मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो जाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद कर देने में समर्थ हों, किंतु स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना अथवा यौन आकर्षण आप में नहीं होना चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें अथवा जब आप स्त्रियों की संगति में हों, तब आप में कोई असद विचार भी नहीं उठना चाहिए। आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया। विचार वास्तविक कर्म है। एक दुर्वासना जार कर्म के समान है, वासना कर्म से भी अधिक है, किंतु किसी व्यक्ति को वास्तव में मार डालने तथा व्यक्ति को मार डालने को सोचने में, वास्तविक मैथुन करने तथा किसी महिला के साथ संभोग करने को सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शनानुसार व्यक्ति को मार डालने को सोचना अथवा मैथुन करने को सोचना वास्तविक कर्म है। यदि मन में एक भी अशुद्ध कामुक विचार है तो आप पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य की आशा नहीं रख सकते। तब आप ऊर्ध्वरेता अथवा ऐसा व्यक्ति नहीं कहला सकते जिसमें वीर शक्ति ऊर्ध्व दिशा की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित होती है, जहां वह ओज शक्ति के रूप में संचित रहती है। एक भी अशुद्ध विचार रहने पर वीर के नीचे की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रलोभनों तथा बीमारी में भी मानसिक ब्रह्मचर्य की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। रोग काल में तथा आपके इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के समय में भी इंद्रियां विद्रोह करना प्रारंभ कर देती हैं। यदि आपके मन में कामुक प्रकृति के विचार उठते हैं तो यह प्रच्छन्न काम वासना के कारण है। धूर्त तथा कूटनीतिक मन स्त्री को देखने तथा उससे वार्तालाप के द्वारा मूक तुष्टिकरण करना चाहता है। चोरी छिपे अथवा अनजाने मानसिक मैथुन घटित होता है। आपको घसीटने वाली शक्ति प्रच्छन्न काम वासना है। काम शक्ति का पूर्ण रूप से उदात्तीकरण नहीं हुआ है। प्राणमय कोष को नवीन रूप नहीं दिया गया है तथा उसका पूर्णतः शोधन नहीं किया गया है। यही कारण है कि आपके मन में अशुद्ध विचार प्रवेश करते हैं।
जप तथा ध्यान अधिक करें, समाज की किसी भी रूप में निस्वार्थ सेवा करें, आपको शीघ्र ही शुद्धता प्राप्त होगी। आप शुद्धता अथवा ब्रह्मचर्य रूपी जल तथा दिव्य प्रेम रूपी साबुन से अपने मन को स्वच्छ करना सीखें। आप साबुन तथा जल से केवल शरीर का प्रक्षालन करने से अंतर में शुद्ध बनने की कैसे आशा कर सकते हैं? आंतरिक शुद्धता बाह्य शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्यमय जीवन अविच्छिन्न बनाए रखें, इसमें ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति तथा साक्षात्कार निहित है। पापमय कर्म की पुनरावृत्ति करके इस भयानक शत्रु कामुकता को जीवन का नया पट्टा ना दें। मन को पूर्णतः व्यस्त रखें। आंतरिक आध्यात्मिक जीवन को इंद्रिय विषयों का गंभीर चिंतन वास्तविक इंद्रिय तुष्टि की अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचाता है। यदि साधना के द्वारा मन को शुद्ध नहीं किया गया तो बाह्य इंद्रियों का दमन मात्र आकांक्षित परिणाम नहीं लाएगा। यद्यपि बाह्य इंद्रियां दमित हो जाती हैं, तथापि उनके आंतरिक प्रतिरूप जो फिर भी ओजस्वी तथा सशक्त होते हैं, मन से प्रतिशोध लेते तथा अत्यधिक मानसिक विक्षोभ तथा निरंकुश कल्पनाओं को जन्म देते हैं। मन ही वास्तव में सभी कार्य करता है। आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और तब आप विचार करते हैं, तदनंतर आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मन के संकल्प को कार्यान्वित किया जाता है। प्रथम संकल्प या विचार उत्पन्न होता है और तत्पश्चात कार्य आता है। अतः कामुक विचारों को मन में प्रवेश न करने दें। कोई भी स्थान किसी भी समय रिक्त नहीं रहता, यह प्रकृति का नियम है। यदि एक वस्तु किसी स्थान से हटा दी जाती है तो तत्काल अन्य वस्तु उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आ जाती है। यही नियम आंतरिक मानसिक जगत के विषय में भी लागू होता है। अतः कुविचारों का स्थान लेने के लिए मन में उद्दात दिव्य विचारों को आश्रय देना आवश्यक है। आपके विचारों के अनुरूप ही आपका गठन होता है। यह मनोविज्ञान का एक अपरिवर्तनीय नियम है। दिव्य विचारों को मन में आश्रय देने से दुष्ट मन धीरे धीरे ईश्वरीय बन जाता है। एक सामान्य शिकायत। लोगों की सदा यह शिकायत रहती है कि गंभीर प्रयत्न तथा सच्चा अभ्यास करने के बावजूद भी उन्हें ब्रह्मचर्य में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। वे अनावश्यक रूप से संतरस्त तथा निरुत्साहित हो जाते हैं। यह एक भूल है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक मापी यंत्र है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। आध्यात्मिकता मापी यंत्र चित्त शुद्धि के विकास की लघुतम मात्रा भी बतलाता अथवा व्यक्त करता है। शुद्धता की मात्रा को समझने के लिए आपको विशुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। प्रबल साधना, ज्वलंत वैराग्य तथा ज्वलंत मुमुक्षुत्व उच्चतम कोटि की शुद्धि शीघ्र प्राप्त कराते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन आधा घंटा भी गायत्री अथवा प्रणव का जप करता है तो आध्यात्मिकता मापी यंत्र उसके ब्रह्मचर्य की सूक्ष्म मात्रा तत्काल बतलाता है। आप अपनी मलिन बुद्धि के कारण इसे नहीं देख पाते हैं। एक या दो वर्ष तक नियमित रूप से साधना कीजिए और तब अपने मन की तत्कालीन अवस्था की उसके पूर्ववर्ती वर्ष की अवस्था से तुलना कीजिए। आपको निश्चय ही बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। आप पूर्वापेक्षा अधिक शांति, अधिक पवित्रता तथा अधिक नैतिक शक्ति अथवा बल का अनुभव करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्राचीन दुष्ट संस्कार बहुत ही प्रबल होते हैं। अतः मानसिक शुद्धता में कुछ समय लग जाता है। आपको हतोत्साह नहीं होना चाहिए, कभी निराश ना हो। आपको अनादिकाल के संस्कारों के विरुद्ध संघर्ष करना है, अतः इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य की महिमा। स्वरों से रहित कोई भाषा नहीं हो सकती। आप स्थूल पट तथा भित्ति के बिना चित्र नहीं बना सकते हैं। आप कागज़ के बिना कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मचर्य के बिना स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य भौतिक प्रगति तथा मानसिक उन्नति लाता है। ब्रह्मचर्य नैतिकता का आधार है। यह शाश्वत जीवन का आधार है। ब्रह्मचर्य वसंत ऋतु का पुष्प है, इसकी पंखुड़ियों से अमृतत्व टपकता है। यह आत्मा में शांतिमय जीवन का आधार है। यह ऋषियों, जिज्ञासुओं तथा योग के साधकों की बहु अभिप्सित ब्रह्मनिष्ठा का सुदृढ़ आश्रय है। यह आंतरिक असुरों, काम, क्रोध, लोभ के विरुद्ध संग्राम करने के लिए रक्षा कवच है। यह पारलौकिक आनंद के प्रवेश द्वार का कार्य करता है।
यह मोक्ष द्वार को उद्घाटित करता है। यह नित्य सुख अविच्छिन्न तथा अक्षय आनंद प्रदायक है। ऋषि, देवता, गंधर्व तथा किन्नर भी सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों की सेवा करते हैं। ईश्वर भी सच्चे ब्रह्मचारी की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खोलने तथा कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र कुंजी है। यह श्री, यश, सुकृत तथा मान प्रतिष्ठा लाता है। आठों सिद्धियां तथा नवो निधियां सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों में लुटती हैं। वे उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। यमराज भी ब्रह्मचारी से दूर भागता है। सच्चे ब्रह्मचारी की महामनस्कता, वैभव तथा महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनत। वेदों की घोषणा है कि ब्रह्मचर्य तथा तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है। हनुमान महावीर कैसे बने? उन्होंने अपने इस ब्रह्मचर्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही अद्वितीय बल तथा शौर्य प्राप्त किया। पांडवों तथा कौरवों के पितामह महान भीष्म ने ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। आदर्श ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने ही रावण के पुत्र अपरिमेय शक्तिशाली तथा त्रिलोक विजेता मेघनाथ को धराशाही किया था। भगवान राम भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण ही ब्रह्मचर्य के बल से अजेय मेघनाथ को परास्त कर सके थे। सम्राट पृथ्वीराज के शौर्य तथा महत्ता का कारण ब्रह्मचर्य का बल ही था। त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मचारी के लिए अप्राप्य हो। प्राचीन काल के ऋषि ब्रह्मचर्य के महत्व से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने सुंदर काव्यों में ब्रह्मचर्य की महिमा का गान किया है। जिस प्रकार तेल वर्तिका में ऊपर आकर दे दीप्यमान प्रकाश के साथ जलता है, उसी तरह वीर्य भी योग साधना के द्वारा ऊर्ध्व दिशा की ओर प्रवाहित होता है तथा तेज अथवा ओज में रूपांतरित होता है। ब्रह्मचारी का मुखमंडल ब्रह्म आभा से चमकता है। ब्रह्मचर्य रूपी शुभ्र प्रकाश मानव शरीर रूपी गृह में चमकता है। यह जीवन के पूर्ण विकसित पुष्प के समान है, जिसके चतुर्दिक शक्ति, धैर्य, ज्ञान, पवित्रता तथा धृति रूपी भ्रमर इधर उधर गुंजार करते हुए मंडराते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति उपर्युक्त गुणों से संपन्न हो जाता है। शास्त्रों में बलपूर्वक कहा गया है, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीश्च यशस तथा पुण्यम च सत्य प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्यया। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि, धन, यश, पुण्य तथा सत्य प्रियता की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का रहस्य, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, पौष्टिक भोजन, शारीरिक व्यायाम, मैदान के खेल। स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का रहस्य, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, पौष्टिक भोजन, शारीरिक व्यायाम, मैदान के खेल, तीव्र गति से टहलना, नौका खेना, तैरना, टेनिस आदि जैसे हल्के खेल, ये सभी सुस्वास्थ्य, शक्ति तथा उच्च कोटि की ऊर्जस्विता बनाए रखने में सहायक हैं। स्वास्थ्य तथा बल प्राप्त करने के लिए निश्चय ही अनेक साधन हैं। निसंदेह ये साधन अपरिहार्य रूप से आवश्यक हैं, किंतु ब्रह्मचर्य इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य के अभाव में आपके सभी व्यायाम नगण्य हैं। स्वास्थ्य तथा सुख के राज्य का द्वार खोलने के लिए ब्रह्मचर्य सर्वकुंजी है। यह आनंद तथा विशुद्ध सुख शांति रूपी प्रसाद की आधारशिला है। यह सच्चे पौरुष को बनाए रखने की एकमात्र औषध है। वीर्य की रक्षा ही स्वास्थ्य, दीर्घायु और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक धरातल की सभी सफलताओं का रहस्य है। जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य है, वह किसी भी रोग के संकट को बड़ी सुगमता से पार कर जाता है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ करने में एक माह लगता है, तो यह व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। श्रुतियाँ मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष घोषित करती हैं। इसे आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने अपने लंपट तथा अनैतिक आचरण के होते हुए भी दीर्घायु तथा बौद्धिक शक्ति प्राप्त की है, किंतु यदि उनमें सच्चारित्र्य तथा ब्रह्मचर्य भी होता
तो वे और भी अधिक शक्तिशाली तथा प्रतिभाशाली हुए होते। जब धन्वंतरी अपने शिष्यों को आयुर्वेद की सविस्तार शिक्षा दे चुके थे, तो उनके शिष्यों ने इस चिकित्सा शास्त्र के मूल सिद्धांत के विषय की जिज्ञासा की। गुरु ने उत्तर दिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य वास्तव में एक बहुमूल्य रत्न है। यह एक सर्वाधिक प्रभावशाली औषध है। वास्तव में अमृत है जो रोग जरा तथा मृत्यु को विनष्ट करता है। शांति, तेज, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य तथा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो परम धर्म है। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम ज्ञान है। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है। यह आत्मा वास्तव में ब्रह्मचर्य स्वरूप है और यह ब्रह्मचर्य में ही निवास करता है। मैं प्रथम ब्रह्मचर्य को नमस्कार करके ही असाध्य रोगों का उपचार करता हूँ। हाँ, ब्रह्मचर्य सभी अशुभ लक्षणों को मिटा सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से सुस्वास्थ्य, मनोबल, मानसिक शांति तथा दीर्घायु प्राप्त होती है। यह मन तथा स्नायुओं को अनुप्राणित करता, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के संरक्षण में सहायता करता और स्मरण शक्ति, संकल्प बल तथा मेधा शक्ति में वृद्धि करता है। यह प्रचुर मात्रा में बल, ओज तथा जीवन शक्ति प्रदान करता है। इससे बल तथा धैर्य की प्राप्ति होती है। नेत्र मन के वातायन हैं। यदि मन शुद्ध तथा शांत है तो नेत्र भी शांत तथा स्थिर होंगे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है, उसके नेत्र कांतिमान, वाणी मधुर तथा रूप सुंदर होगा। ब्रह्मचर्य एकाग्रता को प्रोत्साहन देता है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से ओज की प्राप्ति होती है। पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति द्वारा योगी सिद्धि प्राप्त करता है। यह दिव्य ज्ञान तथा अन्य सिद्धियों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। शुचिता, ब्रह्मचर्य होने पर मन की वृत्तियों का अपक्षय नहीं होता है। मन को एकाग्र करना सहज हो जाता है। एकाग्रता तथा शुचिता साथ साथ रहते हैं। यद्यपि ज्ञानी व्यक्ति इन्हें गिने शब्द ही बोलता है, किंतु इसका श्रोताओं के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण उसकी ओज शक्ति है, जो वीर्य के परिरक्षण तथा उसके रूपांतरण द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। विचार, वाणी तथा कर्म से सच्चे ब्रह्मचारी में असाधारण विचार शक्ति होती है। वह संसार को हिला सकता है। यदि आप पूर्ण ब्रह्मचारी का विकास करते हैं, तो विचार शक्ति तथा धारणा शक्ति विकसित होगी। विचार शक्ति वह शक्ति है जिसकी सहायता से विचार किया जाता है, तथा धारणा शक्ति वह शक्ति है जिससे सद वस्तु मन में धारण की जाती है। यदि व्यक्ति अपने निम्न प्रकृति के समक्ष झुकने से निरंतर इनकार करता है तथा पूर्ण ब्रह्मचारी बना रहता है, तो वीर शक्ति मस्तिष्क की ओर मुड़ जाती है और ओज शक्ति के रूप में वहाँ संचित रहती है। इसके द्वारा ज्ञान शक्ति असाधारण मात्रा में तीव्र होती है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि कुशाग्र तथा निर्मल होती है। ब्रह्मचर्य तीव्र स्मरण शक्ति की अपरिमित मात्रा में वृद्धि करता है। पूर्ण ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था में भी सूक्ष्म तथा तीव्र होती है। जिस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य की शक्ति है, वह अपरिमित शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक कार्य संपन्न कर सकता है। उसके मुखमंडल पर चुंबकीय आभा होती है। वह अल्प शब्द बोलकर अथवा अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह क्रोध को वश में कर सकता है तथा संपूर्ण जगत को हिला सकता है। महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने इससे अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य के निरंतर तथा अवधानपूर्ण अभ्यास द्वारा प्राप्त किया था। उन्होंने केवल इस शक्ति द्वारा संसार को प्रभावित किया। आप एकमात्र ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इस जीवन में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यहाँ यह बात दोहराने योग्य है कि एक सच्चा ब्रह्मचारी अत्यधिक शक्ति, विमल मस्तिष्क, विशाल संकल्प शक्ति, सुस्पष्ट समझ, तीव्र स्मरण शक्ति तथा सद्विचार शक्ति से संपन्न होता है। स्वामी दयानंद ने एक महाराजा के वाहन को रोक दिया था। उन्होंने अपने हाथों से एक खड़ग को तोड़ डाला। यह उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण ही हुआ। सभी आध्यात्मिक आचार्य सच्चे ब्रह्मचारी थे। यीशु, शंकर, ज्ञानदेव तथा समर्थ रामदास, ये सभी ब्रह्मचारी थे। मेरे प्रिय मित्रों, क्या अब आपने ब्रह्मचर्य के महत्व को पूर्ण रूप से समझ लिया है? प्रिय भाइयों, क्या अब आपने ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ तथा उसकी महिमा को स्वीकार कर लिया है?
यदि विविध साधनों से तथा बड़ी कठिनाई झेलने और प्रचुर मूल्य चुकता करने के पश्चात प्राप्त की जाने वाली शक्ति प्रतिदिन यूं ही नष्ट की जाए तो आप कैसे हृष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहने की आशा कर सकते हैं। यदि पुरुष तथा महिलाएं, बालक तथा बालिकाएं ब्रह्मचर्य व्रत का यथासंभव पालन नहीं करते तो उनका हृष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहना असंभव है। विद्युत अणुओं में भी कुंवारे विद्युत अणु तथा अविवाहित विद्युत अणु होते हैं। विवाहित विद्युत अणु जोड़ों में प्रकट होते हैं, कुंवारे विद्युत अणु अकेले रहते हैं। ये कुंवारे विद्युत अणु ही चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति विद्युत अणुओं में भी दृष्टिगोचर होती है। मित्रों, क्या आप इन विद्युत अणुओं से कुछ पाठ सीखेंगे? क्या आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करेंगे तथा बल और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करेंगे? प्रकृति आपकी सर्वोत्तम गुरु तथा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शिका है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐहिक जीवन की विपत्तियों को पराभूत करें तथा स्वास्थ्य, शक्ति, मानसिक शांति, तितिक्षा, शौर्य, भौतिक उन्नति, मानसिक विकास और अमरता प्राप्त करें। जिस व्यक्ति का काम शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण है वह उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो अन्य साधनों से अप्राप्य हैं। अतः अपनी शक्ति का अपव्यय विषय सुखों में ना करें। अपनी शक्ति को सुरक्षित रखें, सत्कर्म करें तथा ध्यानाभ्यास करें। इससे आप शीघ्र ही अतिमानव बन जाएंगे। आप भगवान के साथ वार्तालाप करेंगे तथा दिव्यता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य एक दिव्य शब्द है, यह योग का सार है। अविद्या के कारण यह विस्मृत हो चला है। ब्रह्मचर्य के महत्व पर हमारे महर्षियों ने बहुत बल दिया था। यह वह परम योग है जिस पर भगवान कृष्ण गीता में बार बार बल देते हैं। छठे अध्याय के 14वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में वह कहते हैं कि शारीरिक तप के आवश्यक गुणों में से ब्रह्मचर्य एक है। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में एक अन्य कथन है कि योगी जन वेद वेत्ताओं के बतलाए हुए ध्येय को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह कथन कठोपनिषद में भी प्राप्त है। महर्षि पतंजलि के राजयोग में भी यम प्रथम सोपान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अभ्यास यम है। इनमें ब्रह्मचर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान योग में भी यम साधक के लिए आधार है। महाभारत के शांति पर्व में पुनः आपको मिलेगा। धर्म की कई शाखाएं हैं परंतु दम उन सब का आधार है। जो व्यक्ति लौकिक अथवा आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य एक अत्यावश्यक विषय है। ब्रह्मचर्य के अभाव में मनुष्य सांसारिक कार्यकलाप अथवा आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। विविध धर्म संघों में ब्रह्मचर्य। प्रत्येक धर्म में युगों तक ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा है। लोक साहित्य में आद्योपांत यह विचार छाया हुआ है कि दिव्य दृष्टि तथा लोकोत्तर झांकी का यदि एकमात्र नहीं तो भी विशेषकर ब्रह्मचारी ही अधिकारी है। वेस्टरमैक इस व्याख्या के पक्षपाती हैं कि वीरपात पवित्रता नाशक है। रियो निग्रो जनजाति के शामनों, तांत्रिक चिकित्सकों के लिए ब्रह्मचारी रहना का विधान है, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि यदि औषधि विवाहित व्यक्ति द्वारा दी जाए तो वह निष्प्रभावी सिद्ध होगी। लंबीचस का कथन है कि यदि व्यक्ति यौन संबंध मैथुन के कारण अपवित्र है तो देवता गण उसके आवाहन को नहीं सुनते हैं। इस्लाम धर्म में मक्का की तीर्थ यात्रा के समय व्यक्ति से पूर्ण ब्रह्मचर्य की अपेक्षा की जाती है। यह ब्रह्मचर्य यहूदी भक्त मंडली के लिए सिनाई में ईश दर्शन तथा मंदिर में प्रवेश से पूर्व अपेक्षित है। प्राचीन भारत, मिस्र तथा यूनान में यह नियम था कि उपासक को पूजा काल तथा पूजा से पूर्व मैथुन से अवश्य अलग रहना चाहिए। ईसाई धर्म में भी ब्रह्मचर्य बपतिस्मा, दीक्षा तथा यूखारिस्त परम प्रसाद की तैयारी में अपेक्षित है। श्रेष्ठतम प्रकार का ईसाई ब्रह्मचारी ही होता था।
ईसाई धर्मोपदेशक ब्रह्मचर्य की प्रशंसा किया करते थे। उनकी दृष्टि में विवाह उन लोगों के लिए गौण हितावह था जो ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ थे। यूनानी गिरजाघर के बिशप धर्माध्यक्ष सदा ब्रह्मचारी हुआ करते हैं क्योंकि वे मठवासियों में से चुने जाते हैं। कोई भी साधु किसी स्त्री के हाथ अथवा बाल पकड़ते समय दूषित विचार से उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए नीचे झुकता है अथवा उसके शरीर के किसी न किसी अंग का स्पर्श करता है तो वह अपने धर्म संघ पर कलंक तथा अप्रतिष्ठा लाता है। वर्तमान दीक्षा का संकल्प आजीवन सभी प्रकार के मैथुनों से अलग रहना है। जैन लोग अपने मुनियों पर यह नियम बलात् लादते हैं कि वे सभी प्रकार के यौन संबंधों से अलग रहें, स्त्री संबंधी विषयों की चर्चा ना करें तथा स्त्री की आकृति का चिंतन ना करें। कामुकता की इन शब्दों में निंदा की गई है। करोड़ों दुर्गुणों में कामुकता सबसे बुरा दुर्गुण है। इस नियम के सहायक अन्य नियम भी हैं तथा अशुचि प्रकार के सभी कर्मों का, विशेषकर ऐसे कर्म अथवा शब्द का निषेध जो प्रमुख नियम को भंग करने की दिशा में ले जाता हो अथवा जिससे ऐसा विचार उत्पन्न हो कि नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा था। जिस स्थान में कोई स्त्री उपस्थित हो भिक्षु वहां न सोए, अथवा यदि कोई वयस्क व्यक्ति उपस्थित न हो तो स्त्री को 5-6 शब्दों से अधिक शब्दों में पवित्र सिद्धांत का उपदेश न करे, अथवा यदि विशेष रूप से प्रतिनियुक्त न किया गया हो तो संघिनियों को प्रबोधित न करे, अथवा स्त्री के साथ एक ही मार्ग से यात्रा ना करे। भिक्षा के लिए फेरी करते समय यह समुचित रूप से वस्त्र धारण करे तथा नीची दृष्टि किए हुए चले। वह निर्दिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी स्त्री से यदि वह उससे संबंधित नहीं है तो वस्त्र स्वीकार ना करे। दूषित विचार से स्त्री को स्पर्श करना अथवा उसके साथ बातचीत करना तो दूर रहा, वह उसके साथ एकांत में बैठे भी नहीं। बौद्धों का भिक्षु संघ परिमोख के 227 नियमों द्वारा व्यवस्थित होता है। इसमें प्रथम 4 विशेष महत्व के थे। इन 4 में से किसी भी एक नियम का भंग संघ से निष्कासन से संबद्ध था, अतः वे पराजित अथवा पराजय संबंधी कार्यों के नियम कहलाते थे। प्रथम नियम का कथन है, कोई भी भिक्षु जिसने आत्म प्रशिक्षण की पद्धति द्वारा तथा जीवन नियम को अपनाया है और तत्पश्चात प्रशिक्षण से अलग नहीं हुआ है अथवा नियम के पालन में अपनी असमर्थता घोषित नहीं की है, किसी प्राणी यहाँ तक कि पशु के साथ भी मैथुन करता है तो वह पराजित हो गया है, वह अब संघ में नहीं रहा। प्रशिक्षण से अलग होना, वेश को त्याग करने, संघ से अलग होना तथा सांसारिक जीवन में वापस जाने के लिए एक पारिभाषिक शब्द था। यह कदम संघ का कोई भी सदस्य किसी समय भी उठाने को स्वतंत्र था। कहा जाता है कि चिरकुमारी संघ का प्रवर्तन नूमा ने किया था। वे 30 वर्ष तक अविवाहित रहती थी। ब्रह्मचर्य व्रत के भंग का दंड जीवित दफनाना था। ये कुमारियां अपने असाधारण प्रभाव तथा वैयक्तिक मान मर्यादा के कारण प्रतिष्ठित थीं। उनके साथ वैसा ही सम्मान सूचक व्यवहार किया जाता था जैसा सम्मान सामान्यतया राज परिवार के लोगों को दिया जाता था। इस भांति जनपद पर एक कर्मचारी अधिकार चिन्ह लिए हुए उनके आगे आगे भागता था तथा सर्वोच्च दंडाधिकारी उनको मार्ग देता था। उन्हें कभी कभी वाहन में सवार होने की विशेष सुविधा प्राप्त थी। सार्वजनिक क्रीड़ाओं में उनके लिए सम्मान्य स्थान नियत रहता था। मृत्युपरांत उन्हें सम्राटों के समान ही नगर सीमा में ही दफनाने दिया जाता था क्योंकि वे विधि से परे होती थी। उन्हें कृपादान का राजकीय विशेषाधिकार प्राप्त था क्योंकि यदि प्राण दंड के लिए ले जाया जाता हुआ कोई अपराधी उन्हें मार्ग में मिल जाता तो उसे मुक्त कर दिया जाता था। दार्जिलिंग में तिब्बती लोगों की एक विशाल नई बस्ती में कुली का काम करने वाले सैकड़ों व्यक्ति भूतपूर्व लामा हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने से संबद्ध कठोर दंड से बचने के लिए अकेले अथवा अपने 4
अथवा जारिणी के साथ तिब्बत से भाग आए हैं। अपराधी की भर्त्सना की जाती है और यदि कोई अपराधी पकड़ा गया तो भारी अर्थदंड तथा अवमानना के साथ संघ से निष्कासन के अतिरिक्त वह खुलेआम शारीरिक दंड का भागी होता है। पेरू की वर्जिन्स ऑफ द सन, सूर्य कुमारियाँ, जो एक प्रकार की पुजारिनें होती थी, के दुराचार का पता यदि चल जाता तो उन्हें जीवित दफनाने का दंड दिया जाता था। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन का आधार। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है। यह अति वांछनीय है। यह परम महत्वपूर्ण है। पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में आप वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय निग्रह अथवा ब्रह्मचर्य वह आधारशिला है जिस पर मोक्ष की पीठिका स्थित है। यदि आधारशिला सुदृढ़ नहीं है तो भारी वर्षा में अधीर चना धाराशायी हो जाएगी। इसी भांति यदि आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हैं, यदि आपका मन कुविचारों से प्रमथित है तो आपका पतन हो जाएगा। आप योग की निश्रयणी के शिखर पर अथवा उच्चतम निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच सकेंगे। यदि आप ब्रह्मचर्य में सुप्रतिष्ठित नहीं हैं तो आपके आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है। ब्रह्मचर्य शाश्वत आनंद के लोक का द्वार खोलने के लिए सर्वकुंजी है। ब्रह्मचर्य योग का आधार ही है। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण नींव पर निर्मित भवन का धाराशाही होना अवश्यम भावी है, उसी प्रकार यदि आपने समुचित नींव नहीं डाली है अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं की है तो आप ध्यान से च्युत हो जाएंगे। आप भले ही 12 वर्ष तक ध्यान करते रहें पर यदि आपने अपने हृदय की अंतरतम गुहा में चिरकाल से स्थित सूक्ष्म काम वासना तथा तृष्णा के बीज को विनष्ट नहीं किया है तो आपको समाधि में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। काया सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य एक आधार है। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। यह परम आवश्यक है। योगाभ्यास से वीर्य ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। योगी का शरीर सिद्ध होता है। उसकी चेष्टाओं में रमणीयता तथा शालीनता होती है। वह यथेच काल तक जीवित रह सकता है। इसे इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। आध्यात्मिक साधक का वर्ण किया हुआ साधना पथ, कर्मयोग, उपासना, राजयोग, हठ योग अथवा वेदांत कोई भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, पर उसके लिए ब्रह्मचर्य साधना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्हता है। सभी साधकों से पूर्ण इंद्रिय निग्रह की साधना की अपेक्षा की जाती है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही भक्ति का विकास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही योगाभ्यास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य के अभाव में कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। कामुकता व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता पर घातक प्रहार करती है। जब तक आप कामुकता पर नियंत्रण नहीं कर लेते और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते तब तक आपके लिए भगवत सायुज्य की दिशा में ले जाने वाले आध्यात्म पथ में प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है। जब तक आपकी नासिका को कामुकता की गंध मधुर प्रतीत होती है तब तक आप अपने मन में उदात्त दिव्य विचारों को प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। जिस व्यक्ति में काम भावना बद्धमूल है वह शत कोटि जन्मों में भी वेदांत को हृदयंगम करने तथा ब्रह्म साक्षात्कार करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। जहाँ काम वासना ने अपना डेरा डाल रखा हो वहाँ सत्य निवास नहीं कर सकता है। अति संभोग आध्यात्म पथ पर एक महान अंतराय है। यह आध्यात्मिक साधना पर निश्चय ही रोक लगाता है। उद्दात विचारों को मन में प्रश्रय दें, ऐसा नियमित ध्यान के द्वारा काम वासना के आवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। काम शक्ति का पूर्ण उद्दातीकरण करना चाहिए, तभी साधक पूर्ण सुरक्षित रह सकता है। काम वासना का पूर्ण विनाश ही चरम आध्यात्मिक आदर्श है। यौन आकर्षण, कामुक विचार तथा कामावेग, ये तीन भगवत साक्षात्कार के मार्ग की महान बाधाएं हैं। यदि कामावेग नष्ट भी हो जाए तो भी यौनाकर्षण दीर्घ काल तक बना रहता है और साधक को उत्पीड़ित करता रहता है। यौनाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होता है। यौनाकर्षण व्यक्ति को इस लोक के बंधन में डालता है। पुरुष अथवा स्त्री के शरीर का प्रत्येक कोषाणु काम तत्व से प्रभारित होता है।
मन तथा इंद्रियां काम रस से आपूरित होते हैं। पुरुष स्त्रियों की ओर दृष्टिपात किए बिना, उनसे वार्तालाप किए बिना नहीं रह सकता। उसे स्त्री की संगति से सुख प्राप्त होता है। स्त्री भी पुरुष की ओर दृष्टिपात किए बिना, उनसे वार्तालाप किए बिना नहीं रह सकती। उसे पुरुष की संगति से सुख प्राप्त होता है। यही कारण है कि पुरुष अथवा स्त्री के लिए यौनाकर्षण को नष्ट करना अत्यधिक दुस्साध्य होता है। यौनाकर्षण भगवत कृपा के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी मानवीय प्रयास इस यौनाकर्षण की प्रबल शक्ति को पूर्णतः उन्मूलित नहीं कर सकता। नेत्रेंद्रिय बहुत ही अनिष्ट करती है। कामुक दृष्टि को, नेत्र के व्यभिचार को नष्ट कीजिए। सभी मुखाकृतियों में भगवान के दर्शन करने का प्रयास कीजिए। वैराग्य, विवेक तथा जिज्ञासा की धारा बारंबार उत्पन्न कीजिए। अंततः आप ब्रह्म अथवा शाश्वत सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उद्दात दिव्य विचारों को पुनः पुनः उत्पन्न कीजिए तथा अपने जप तथा ध्यान में वृद्धि कीजिए। कामुक विचार नष्ट हो जाएंगे। यदि आप काम के दास बनते हैं तो कला तथा विज्ञान के ज्ञान से क्या लाभ, उपाधियों तथा प्रतिष्ठा से क्या लाभ, भगवान नाम के जप ध्यान तथा मैं कौन हूँ की जिज्ञासा से क्या लाभ। प्रथम इस प्रबल आवेग को इंद्रिय निग्रह के कठोर तप द्वारा नियंत्रित कीजिए। उन्नत ध्यान आरंभ करने से कम अति नियमनिष्ठ शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तत्पश्चात मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कीजिए। आप सभी के बीच में एक प्रच्छन्न शेक्सपियर अथवा कालिदास, एक प्रच्छन्न वर्ड्सवर्थ अथवा वाल्मीकि, एक संभवनीय संत, एक जेवियर, भीष्म पितामह, हनुमान अथवा लक्ष्मण जैसा अखंड ब्रह्मचारी, एक विश्वामित्र अथवा वशिष्ठ, डॉक्टर जेसी बोस अथवा रमण जैसा महान वैज्ञानिक, ज्ञानदेव अथवा गोरखनाथ जैसा योगी, शंकर तथा रामानुज जैसा दार्शनिक, तुलसीदास, रामदास अथवा एकनाथ जैसा भक्त हो सकता है। अतः ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी प्रच्छन्न क्षमताओं तथा सभी प्रकार की ऊर्जाओं को जागृत कीजिए तथा शीघ्र भगवत चेतना प्राप्त कर ऐहिक जीवन की विपत्तियों तथा इस जीवन के सहगामी जन्म मृत्यु तथा शोक रूपी अनिष्टों को पार कर जाइए। वह ब्रह्मचारी धन्य है जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। वह ब्रह्मचारी और भी अधिक धन्य है जो काम वासना को नष्ट करने तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए सच्चाई पूर्वक संघर्षरत है। वह ब्रह्मचारी तो सर्वाधिक धन्य है जिसने काम वासना का पूर्णतः उन्मूलन कर डाला है तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। ऐसे उन्नत ब्रह्मचारियों की जय हो। वे इस पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं। उनके आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हों। गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य। यह बात पूर्णतः असंदिग्ध है कि ब्रह्मचर्यमय जीवन यशस्कर तथा आश्चर्यकर है। फिर भी गार्हस्थ जीवन में संयमपूर्ण जीवन आध्यात्मिक विकास के लिए उतना ही लाभकर तथा सहायक होता है। दोनों के अपने अपने लाभ हैं। आपको इन दोनों में से किसी भी एक पथ पर चलने के लिए बड़े मनोबल की आवश्यकता है। वर्णाश्रम धर्म तो आजकल वस्तुतः लुप्त हो चला है। प्रत्येक व्यक्ति वैश्य अथवा बनिया बन गया है और वैध तथा अवैध किसी भी तरह से याचना, ऋण अथवा स्थान्य से धन संचय के लोभ में संलग्न है। प्रायः सभी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य बन चले हैं। आजकल बच्चे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नहीं रह गए हैं। ये येन केन प्रकारेण रुपया चाहते हैं। वे अपने वर्ण अथवा आश्रम धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं करते हैं। मनुष्य के पतन का यही मूलभूत कारण है। यदि गृहस्थ अपने आश्रम के कर्तव्यों को अति नियम निष्ठा से निभाते हैं, यदि वह आदर्श गृहस्थ हैं तो उन्हें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ अपने कर्तव्य पालन में विफल हो रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में सन्यासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक आदर्श गृहस्थ का जीवन उतना ही कठिन तथा कठोर है जितना कि एक आदर्श सन्यासी का जीवन। प्रवृत्ति मार्ग अवस्था कर्मयोग का मार्ग उतना ही कठिन तथा कठोर है जितना कि निवृत्ति मार्ग अथवा सन्यास का पथ है। यदि व्यक्ति अपने गार्हस्थ्य
जीवन में ब्रह्मचर्यमय जीवन यापन करता है तथा संतान के लिए ही नियमित समय पर संभोग करता है तो वह स्वस्थ मेधावी बलवान स्वरूप तथा आत्मत्यागी संतान का प्रजनन कर सकता है। प्राचीन भारत के तपस्वी तथा ऋषि जन विवाहित होने पर इस उत्कृष्ट नियम का बड़ी ही सावधानी पूर्वक अनुसरण किया करते थे तथा अपने व्यवहार और उपदेश द्वारा शिक्षा दिया करते थे कि गृहस्थ होते हुए भी किस प्रकार ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया जाए। हमारे पूर्वज मातृभूमि की रक्षा तथा राष्ट्र के अन्य उत्कर्षकारी कार्यों के लिए संतान उत्पन्न करने में निस्संदेह ऋषियों का अनुसरण करते थे। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया है वे मनुपुत्री देवहूति तथा उनके पति कर्दम ऋषि के जीवन से परिचित होंगे। कर्दम ऋषि ने देवहूति को पुत्र रत्न देने के लिए उनके साथ एक बार सहवास किया जिससे उनके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का जन्म हुआ। पराशर ने वेदांत दर्शन के प्रवर्तक श्री व्यास को जन्म देने के लिए मत्स्यगंधा के साथ सहवास किया। प्राचीन काल के महर्षि जन विवाहित होते थे किंतु वे रागमय तथा कामुक जीवन यापन नहीं करते थे। उनका गार्हस्थ्य जीवन धर्मपरायण जीवन ही होता था। यदि आप उनका अक्षरशः अनुकरण नहीं कर सकते तो आपको उनके जीवन को मर्यादा के रूप में एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए तथा सन्मार्ग पर चलना चाहिए। गृहस्थ आश्रम एक कामुक तथा लिंपट जीवन नहीं है, यह निस्वार्थ सेवा है, शुद्ध तथा सरल धर्म का, दानशीलता का, साधुता का, स्वावलंबन का तथा लोकहित और लोक संग्रह का अति नियमनिष्ठ जीवन है। यदि आप ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो गृहस्थी का जीवन उतना ही अच्छा है जितना कि सन्यासी का जीवन। विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य क्या है? सुव्यवस्थित संयत विवाहित जीवन यापन करें। गृहस्थ के रूप में भी आप गार्हस्थ्य धर्म के सिद्धांतों में लगे रहकर आत्मसंयम तथा भगवान की नियमित उपासना द्वारा ब्रह्मचारी बने रह सकते हैं। विवाह आपको आपके आध्यात्मिक पथ में किसी भी रूप में अधोगामी ना बनाए। आपको अध्यात्म अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। आपको अपनी धर्म पत्नी को भी आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक महिमा को समझाना चाहिए। यदि आप दोनों कुछ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और तत्पश्चात असंयम से बचे रहें तो आपकी धर्म पत्नी हृष्टपुष्ट संतान का प्रजनन करेगी जो देश के गौरव होंगे। सुरक्षित रखी हुई शक्ति का उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बारंबार के प्रसव की रोकथाम से आपकी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अर्थ मैथुन पर पूर्ण संयम रखना है। गृहस्थों को यौन सुख के विचार के बिना केवल वंश परंपरा बनाए रखने हेतु माह में एक बार उचित समय पर अपनी पत्नी के साथ सहवास करने की अनुमति है। यह भी ब्रह्मचर्य व्रत है, वे भी ब्रह्मचारिणी हैं। गृहस्थों को अपनी पत्नियों को भी उपवास रखने तथा जप ध्यान और उन सभी अन्य साधनाओं को करने के लिए कहना चाहिए जिनसे ब्रह्मचर्य पालन में उन्हें सहायता प्राप्त होती है। उन्हें अपनी धर्म पत्नियों को भी गीता उपनिषद भागवत तथा रामायण के स्वाध्याय तथा आहार संबंधी नियमों के संबंध में प्रशिक्षित करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को अपनी भगिनी समझें तथा अनुभव करें। पति पत्नी की भावना को नष्ट कर डालें तथा भ्राता और भगिनी की भावना विकसित करें। आप दोनों ही शुद्ध तथा प्रगाढ़ प्रेम विकसित करेंगे क्योंकि कामुकता की अशुद्धि दूर हो जाएगी। अपनी पत्नी के साथ सदा आध्यात्मिक विषयों की ही चर्चा करें। उनसे महाभारत तथा भागवत के आख्यान कहें। अवकाश के दिनों में उनके पास बैठें तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। शनै शनै उनका मन परिवर्तित हो जाएगा। उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि तथा प्रसन्नता होगी। यदि आप सांसारिक कष्टों से मुक्त होना तथा शाश्वत आत्मानंद भोगना चाहते हैं तो इसे कार्यान्वित करें। आजकल के युवक बाहर जाते समय अपनी पत्नियों को सदा अपने साथ ले जाने में पाश्चात्यों का अनुकरण करते हैं।
इस व्यवहार से पुरुषों में स्त्रियों की संगति में सदा सर्वदा रहने का दृढ़ स्वभाव पड़ जाता है। फिर अल्पकाल के वियोग से उन्हें अत्यधिक पीड़ा तथा व्यथा होती है। कई लोगों को पत्नी की मृत्यु से बड़ा आघात लगता है। इसके अतिरिक्त उनके लिए 1 माह के ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेना अतीव कठिन हो जाता है। हे अभागे दुर्बल लोगों, आध्यात्मिक दिवालियों, अपनी जीवन संगनियों से जितना अधिक हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। उनके साथ कम बातचीत कीजिए, गंभीर रहिए, उनके साथ हास परिहास ना कीजिए। सायंकाल को भ्रमणार्थ अकेले जाइए। आपके बुद्धिमान पूर्वजों ने क्या किया? पाश्चात्यों में जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ही आत्मसात करें। लोक व्यवहार, जीवन पद्धति, पहनावा तथा खान पान का निकृष्ट अनुकरण अनिष्टिकारक है। जब पत्नी माँ बन जाती है, जब आपके एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो पत्नी आपकी माता बन जाती है, क्योंकि आप स्वयं पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। पुत्र अपने पिता की शक्ति मात्र है। आप अपनी मानसिक अभिवृत्ति को बदलें। अपनी पत्नी की जगत जननी के रूप में सेवा करें। आध्यात्मिक साधना आरंभ करें। काम वासना को नष्ट कर डालें। आप अपनी पत्नी को काली अथवा जगत जननी मानकर प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही उसके चरण स्पर्श करें तथा उसको साष्टांग प्रणाम करें। आप इस कार्य में लज्जा का अनुभव ना करें। इस व्यवहार से आपके मन से पत्नी भाव दूर हो जाएगा। यदि आप शारीरिक रूप से साष्टांग प्रणाम ना कर सके तो कम से कम मानसिक रूप से ही करें। संतानोत्पत्ति के पश्चात व्यक्ति को कामुकता त्याग देनी चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए। यदि एक बार इस विचार को मन में प्रमुख स्थान दे दिया तो वह बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी अपने मानसिक दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है और अपनी पत्नी के विषय में कामुक दृष्टि से सोच सकता है। यह गृहस्थ के लिए एक महान साधना है। यदि संतान न उत्पन्न हो तो द्वितीय पत्नी के साथ विवाह करना उचित नहीं है। तब पति तथा पत्नी को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक सहभागिता का जीवन यापन। मनु का कथन है, प्रथम संतान धर्म से तथा शेष संतानें काम से उत्पन्न होती हैं। विषय सुख के लिए रतिक्रिया न्याय संगत नहीं है। जो पिपासु साधक आत्म साक्षात्कार के मार्ग के पथिक हैं और जो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले गृहस्थ हैं, उन्हें अपने पति अथवा पत्नी के साथ संभोग करना त्याग देना चाहिए, क्योंकि यौन संसर्ग सभी असद भावनाओं को पुनर्जीवित कर देता है और उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है। विवाह को अब एक सुव्यवस्थित धार्मिक गृहस्थ जीवन यापन द्वारा अपनी प्रकृति के पूर्ण दिव्यीकरण तथा जीवन लक्ष्य भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए दो आत्माओं का ईश्वर विहित संबंध समझना चाहिए। यदि पति तथा पत्नी आशु आध्यात्मिक प्रगति तथा इस जीवन में ही आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में अधूरे प्रयास का कोई स्थान नहीं है। क्या आप 40 वर्ष से अधिक वय के गृहस्थ हैं? तब तो आपको अब पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। आपकी पत्नी को भी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। अब ऐसा ना कहें, स्वामी जी महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ। यह झूठा बहाना है। आप एक कामुक गृहस्थ के रूप में कब तक रहना चाहते हैं? क्या जीवनावसान पर्यंत रहेंगे? क्या जीवन का खाने सोने तथा प्रजनन करने से अधिक उदात्त कोई लक्ष्य नहीं है? क्या आप आत्मा के शाश्वत आनंद का उपभोग करना नहीं चाहते हैं? आप सांसारिक सुखों का पर्याप्त आनंद ले चुके हैं तथा गृहस्थ जीवन की अवस्था को पार कर चुके हैं। यदि आप युवक होते तो मैं आपको छोड़ सकता था, किंतु अब नहीं। अब संसार में रहते हुए वानप्रस्थ तथा मानसिक संन्यास की अवस्था के लिए तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम अपने हृदय को रंगें। यह निसंदेह एक उदात्त जीवन होगा।
अपने को तैयार कर लें, मन को अनुशासित करें। वास्तविक संन्यास मानसिक अनासक्ति है। वास्तविक संन्यास वासनाओं, मैंपन, मेरापन, स्वार्थपरता तथा संतान, शरीर, पत्नी और संपत्ति के मोह का विनाश है। आपको हिमालय की गुहाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। मन की उपयुक्त स्थिति को प्राप्त करें। अपने परिवार तथा बच्चों के साथ संसार में शांति तथा समृद्धि में रहें। संसार में रहें किंतु संसार से बाहर रहें। सांसारिकता त्याग दें। यही सच्चा संन्यास है। मैं वास्तव में यही चाहता हूँ। तब आप राजाओं के राजा बन जाएंगे। मैं कई वर्षों से खूब चिल्ला चिल्ला कर इस प्रकार कह रहा हूँ, किंतु बहुत ही कम व्यक्ति मेरे उपदेशों का अनुसरण करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए साध्वी पत्नी एक मूल्यवान रत्न तथा प्रभु की असीम कृपा का मूर्त रूप है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य दंपत्ति के लिए प्रभु की दुर्लभ देन है। प्रत्येक जीवन संगी को दूसरे का सभी अर्थों में सच्चा साथी होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम ईश्वरत्व में विकास की निश्चयणी का सुरक्षित डंडा है। शास्त्र विहित नियम का पालन करें तथा अनंत आनंद का उपभोग करें। सच्चा मिलन आध्यात्मिक आधार पर ही स्थापित हो सकता है। आप में से दोनों ही उभयनिष्ठ जीवन लक्ष्य भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने के आकांक्षी बने। जब आपके चतुर्दिक रहने वाले दंपत्ति भौतिकता की तथा अपनी वैयक्तिक हैसियत से एक दूसरे को नीचे घसीटने की होड़ में लगे हैं, आप दोनों को आध्यात्मिक साधना में शीघ्र उन्नति करने की स्पर्धा करनी चाहिए। यह क्या ही अनूठी स्पर्धा है। जीवन संगी के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा क्या ही ईश्वरानुग्रह है। स्त्रियां तथा ब्रह्मचर्य। एक साधक लिखता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वीर्य की उत्पत्ति तथा उसके क्षय का सिद्धांत जो पुरुषों पर लागू होता है वह स्त्रियों के विषय में भी लागू होता है। क्या वे भी वास्तव में उतना ही प्रभावित होती हैं जितना कि पुरुष। प्रश्न महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक है। हाँ, अत्यधिक महत्व से पुरुषों की भांति ही स्त्रियों के शरीर को क्लांति होती है तथा उनकी जीवन शक्ति का अपक्षय होता है। इससे शरीर पर निश्चय ही अत्यधिक स्नायविक तनाव पड़ता है। जनन ग्रंथि अथवा पुरुषों के वृषणों की तटस्थानी डिंब ग्रंथि वीर्य के प्रकार की बहुमूल्य जीवन शक्ति उत्पन्न तथा विकसित करती और परिपक्व बनाती है। इसे डिंब कहते हैं। यद्यपि यह डिंब वास्तव में स्त्री के शरीर से बाहर नहीं जाता है जैसा कि पुरुष के वीर्य का स्खलन होता है, तथापि मैथुन क्रिया के कारण डिंब ग्रंथि को छोड़कर भ्रूण का रूप लेने के लिए गर्भाधान के प्रक्रम में लग जाता है। और सभी यह भली भांति जानते हैं कि गर्भ धारण करने से शक्ति का कितना अपक्षय होता है और कैसी पीड़ा होती है। इस शक्ति के बार बार के रिक्तिकरण तथा प्रसव पीड़ा के कारण स्वस्थ महिलाओं का स्वास्थ्य भी चकनाचूर हो जाता है। यह उनके बल, सौंदर्य तथा मनोहरता के साथ ही उनके यौवन और मानसिक शक्ति को भी नष्ट कर डालता है। उनके नेत्रों में आभा तथा चमक नहीं रह जाते जो कि आंतरिक शक्ति के द्योतक हैं। मैथुन क्रिया की शीघ्र ऐन्द्रिक उत्तेजना स्नायु तंत्र को चकनाचूर कर देती है तथा उनमें दुर्बलता भी उत्पन्न करती है। स्त्रियों के शरीर अधिक सुकुमार तथा अति संवेदनशील होने के कारण उन पर पुरुषों की अपेक्षा प्रायः अधिक कुप्रभाव पड़ता है। स्त्रियों को अपनी बहुमूल्य जीवन शक्ति का परिरक्षण करना चाहिए। डिंब ग्रंथियों द्वारा स्रावित डिंब तथा अंतःस्राव हार्मोन स्त्रियों के अधिकतम शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। वे भी मीराबाई की भांति नैष्ठिक ब्रह्मचारिणियाँ रहकर अपने आप को भगवान की सेवा और भक्ति में अर्पित कर सकती हैं, अथवा वे गार्गी तथा सुलभा की तरह ब्रह्म विचार कर सकती हैं। इस मार्ग को अपनाने वाली स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी की संज्ञा दी जाती है। गृहस्थ धर्मिणियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना तथा सावित्री अनुसुईया को अपना आदर्श मानना चाहिए। उन्हें अपने पति को भगवान कृष्ण के रूप में देखना चाहिए और भगवत दर्शन करना चाहिए जैसा कि लैला मजनू को देखती थी। वे भी आसनों, प्राणायामों आदि सभी क्रियाओं का अभ्यास कर सकती हैं। उन्हें अपने घरों में प्रतिदिन सशक्त संकीर्तन, जप और प्रार्थना करनी चाहिए। वे भक्ति के द्वारा अपनी काम वासनाओं को सहज में ही नष्ट कर सकती हैं।
क्योंकि वे स्वभाव से ही भक्ति परायण होती हैं। प्राचीन काल में अनेक स्त्रियों ने चमत्कारिक कार्य किए तथा संसार को सतीत्व की शक्ति प्रदर्शित की। नलिनी ने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अपने सतीत्व बल से सूर्य को उदय होने से रोक दिया था। अनसुईया ने त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को शिशुओं में रूपांतरित कर दिया जब उन्होंने उनसे निर्वाण भिक्षा की याचना की। उन्होंने केवल अपने सतीत्व के बल से ही इन तीनों महान देवताओं को शिशुओं में बदल दिया। सावित्री ने अपने सतीत्व के बल से यमराज के पास से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। सतीत्व अथवा ब्रह्मचर्य की ऐसी ही महिमा है। जो स्त्रियां सतीत्वमय गार्हस्थ जीवन यापन करती हैं वे भी अनसुईया नलिनी अथवा सावित्री के तुल्य बन सकती हैं। ब्रह्मचारिणियां प्राचीन तथा आधुनिक। प्राचीन काल में भारत में ब्रह्मचारिणियां होती थी। वे ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म पर प्रवचन करती थी। वे गृहस्थ धर्मिणी का जीवन यापन करना नहीं चाहती थी। वे अपने कुटीरों में ऋषियों तथा मुनियों की सेवा करती थी और ब्रह्म विचार किया करती थी। राजा जानश्रुति ने अपनी पुत्री को रैक्व ऋषि की सेवा में अर्पण कर दिया था। इसका उल्लेख आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। सुलभा एक परम विदुषी महिला थी। उसका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। वह ब्रह्मचारिणी थी। वह मोक्ष धर्म में दीक्षित थी। वह तपश्चर्या करती थी। वह स्व आचरित जीवनचर्या संबंधी अनुष्ठानों में अडिग थी। वह अपने व्रतों में अटल थी। औचित्य का विचार किए बिना वह कभी एक भी शब्द नहीं बोलती थी। वह एक योगिनी थी। वह सन्यासिनी का जीवन यापन करती थी। वह जनक की राजसभा में उनके समक्ष उपस्थित हुई और उनके साथ उसने ब्रह्म विद्या संबंधी बड़ी परिचर्चा की। गार्गी भी एक ब्रह्मचारिणी थी। वह भी एक सुसंस्कृत महिला थी। उसने भी याज्ञवल्क के साथ ब्रह्म विद्या पर लंबा शास्त्रार्थ किया। उनका यह संवाद बृहदारण्यक उनका यह संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। यूरोप में भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो ब्रह्मचारिणी थीं तथा जिन्होंने अपना जीवन कठोर तपश्चर्या प्रार्थना तथा ध्यान के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया था। उनके अपने आश्रम थे। भारत में अब भी ऐसी शिक्षित महिलाएं हैं जो ब्रह्मचारिणी का जीवन यापन कर रही हैं। वे विवाह करना नहीं चाहती। यह उनके पूर्व जन्म के सुसंस्कारों के प्राबल्य के कारण है। वे विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा देती हैं। वे निर्धन बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क शिक्षा देती हैं तथा उन्हें सिलाई एवं अन्य घरेलू कार्यों का प्रशिक्षण देती हैं। वे धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय तथा प्रातः सायं ध्यान अभ्यास करती हैं। वे कीर्तन करती हैं तथा प्रतिदिन आध्यात्मिक ध्यानंदिनी लिखती हैं। वे महिलाओं से सत्संग और कीर्तन कराती हैं तथा बालिकाओं को आसनों और प्राणायामों का प्रशिक्षण देती हैं। वे गीता तथा उपनिषद पर प्रवचन करती हैं। अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देती हैं तथा अवकाश के दिनों और महत्वपूर्ण अवसरों पर आध्यात्मिक जन जागरण के लिए बड़े पैमाने पर महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करती हैं। कभी कभी वे गांवों में जाती हैं तथा निर्धन लोगों में बिना मूल्य के औषधियाँ वितरित करती हैं। वे प्रथमोपचार, सम चिकित्सा, होम्योपैथी, विषम चिकित्सा, एलोपैथी तथा जीव रासायनिक पद्धति के ज्ञान से सन्नद्ध हैं। वे रोगियों का उपचार करने में प्रशिक्षित हैं। एक उच्च शिक्षा प्राप्त ब्रह्मचारिणी है जो संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिंदी में सुनिश्रात है और कन्याओं की एक संख्या की प्रधान है। वह निर्धन बालिकाओं के लिए अपने व्यय से एक निःशुल्क अराजकीय विद्यालय भी चलाती है। यह निसंदेह एक बहुत ही महती सेवा है। ऐसी कन्याएं तथा महिलाएं वास्तव में भारत के लिए वरदान हैं। वे पवित्र तथा आत्मत्यागमय जीवन यापन करती हैं। वे इहलोक में परमानंद समृद्धि तथा कीर्ति का उपभोग करती और परलोक में परम शांति का अमर प्रसाद प्राप्त करती हैं। भारत को इस प्रकार की और अधिक ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है जो अपना जीवन सेवा, ध्यान तथा प्रार्थना के लिए समर्पित कर सकें। उत्तर प्रदेश में एक महारानी थी। वह सादा वस्त्र धारण करती, साधुओं और निर्धनों की सेवा करती तथा सदा सन्यासियों के सानिध्य में रहती थी। उसे शास्त्रों का अगाध
ज्ञान था तथा वह नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना किया करती थी। वह लगातार कई महीनों तक मौन रखती तथा कुछ समय एकांत में व्यतीत करती थी। इसके साथ वह राज्य पर शासन भी करती थी। एक सुशिक्षित महिला है जो MBBS है। उसके पतिदेव उच्च पद पर आसीन हैं। वह रोगियों का निशुल्क उपचार करती है। वह रोगियों का निरीक्षण करने के लिए उनके घर जाने का कोई शुल्क नहीं लेती है। वह समाज की बहुत अच्छी सेवा करती है। वह नौकरी के पीछे नहीं भागती फिरती, उसमें लोभ नहीं है। वह अपनी चित्त शुद्धि के लिए चिकित्सा सेवा करती है। वह निर्धनों की चिकित्सा सेवा को भगवत पूजा मानती है। वह घर की देखभाल करती तथा अपने पतिदेव की सेवा भी करती है। वह धर्म धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करती है तथा कुछ समय ध्यान, पूजा और प्रार्थना में लगाती है। वह प्रशस्त तथा पवित्र जीवन यापन करने वाली एक आदर्श महिला है। उच्छृंखल जीवन स्वतंत्रता नहीं है। संसार को इस प्रकार की आदर्श महिलाओं की नितांत आवश्यकता है। मेरी कामना है कि संसार ऐसी प्रशस्त महिलाओं से भरपूर रहे। मैं स्त्रियों की निंदा नहीं करता हूँ। मैं उन्हें शिक्षा तथा स्वतंत्रता देने का विरोध नहीं करता हूँ। मैं उनके प्रति परम श्रद्धा रखता हूँ। मैं उनकी देवियों के रूप में पूजा करता हूँ। किंतु मैं स्त्रियों के लिए किसी ऐसी स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं हूँ जो उनका अधःपतन करे। मैं ऐसी शिक्षा तथा संस्कृति के पक्ष में हूँ जो उन्हें अमर तथा प्रशस्त बनाए, जो उन्हें सुलभा, मीरा तथा मैत्रेयी की भांति, सावित्री तथा दमयंती की भांति आदर्श नारी बनाए। मैं यही चाहता हूँ, यही प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा। उच्छृंखल जीवन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। भारत की कुछ स्त्रियों ने इस मिथ्या स्वतंत्रता का लाभ उठाकर अपना सर्वनाश कर लिया है। तथा कथित शिक्षित महिलाएं आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रही हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। इस स्वतंत्रता ने अब अनेक घरों का सत्यानाश कर डाला है। इसने समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। इसने अनेक सम्मान्य परिवारों को लज्जित किया है। लड़कियों ने स्वतंत्रता की अपनी अतोषणीय तृष्णा में पढ़कर सीमा का अतिक्रमण किया और अमूल्य संपत्ति खो डाली, जिसे अतीत काल की महिलाओं ने निष्कलंक बनाए रखा था। पुरुषों के साथ मुक्त रूप से संसर्ग रखने से स्त्री अपनी गरिमा, शालीनता, नारी सुलभ, लालित्य तथा अपने शरीर और चरित्र की पवित्रता खो बैठती है। जो स्त्री पुरुषों के साथ मुक्त रूप से मिलती जुलती है वह अपने सतीत्व को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकती है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं और रहे भी हैं। जो स्त्री लोक जीवन में पुरुषों से मुक्त रूप से मिलती जुलती है तथा शुद्ध भी रहती है वह निश्चय ही अति मानवीय स्त्री होगी। अपने स्वभावगत काम वासना वाली सामान्य स्त्री तो शीघ्र ही झुक जाएगी। मानव प्रकृति अपनी पूर्ति करेगी। यदि नारी का सतीत्व नष्ट हो गया तो उसके जीवन में अवशेष क्या रहा? भले ही वह स्त्री समृद्ध हो तथा समाज के उच्च वर्ग के साथ उसका मेल जोल हो, पर यदि उसमें सतीत्व नहीं है तो वह प्राणधारी शव मात्र है। स्वच्छंद मिलने जुलने का अनर्थकारी परिणाम होता है। जब जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करने तथा एकांत में कंद मूल खाकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषि तथा योगी भी यदि सावधान नहीं रहते तो प्रकृति की अशुभ शक्तियों द्वारा अधःपतित हो जाते हैं, तो उन स्त्रियों के विषय में क्या कहना जो नित्य ही स्वादिष्ट भोजन तथा मिष्ठान्न खाती हैं, जो गोटे के अंचल वाले सुवासित मखमली तथा कौशेय वस्त्र धारण करती हैं, जिनमें अधिक मिलने जुलने का व्यसन है, जो आत्मसंयममय जीवन यापन नहीं करती हैं, जिनमें धार्मिक प्रशिक्षण तथा अनुशासन नहीं है तथा जिन्हें आभ्यंतर जीवन तथा मोक्ष धर्म का कोई बोध नहीं है। सुधी पाठक, मैं इस विषय को आपके स्वयं के चिंतन, मनन, पर्यालोचन तथा समीक्षा के लिए आप पर छोड़ देता हूँ। स्त्रियों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी तथा उनके परिवार की अपकीर्ति अथवा अपयश हो और उनके चरित्र पर कलंक लगे। चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री जीवित ही मृतक तुल्य समझे जाते हैं। समाज में व्यवहार करते समय उन्हें बहुत ही सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए। उन्हें अत्यधिक बातें करना, मिलने जुलने, ठहाका लगाने तथा मूर्खों की तरह हंसने से बचना चाहिए।
उन्हें सदा गंभीर गति से चलना चाहिए, कभी कूल्हे मटकाते हुए नहीं चलना चाहिए। उन्हें प्रेम के हाव भाव से पुरुषों की ओर नहीं देखना चाहिए। उनके वस्त्र बहुत चुस्त तथा अंग उद्घाटित करने वाले नहीं होने चाहिए। उन्हें बनाव श्रृंगार त्याग देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए आह्वान। हे देवियों, भूषाचार तथा काम वासना में अपना जीवन नष्ट ना करें। अपने नेत्र खोलें, धर्म मार्ग पर चलें, अपने पति व्रत धर्म को बनाए रखें, अपने पति देव में भगवत दर्शन करें, गीता उपनिषद भागवत तथा रामायण का स्वाध्याय करें, अच्छी गृहस्थ धर्मिणियाँ तथा ब्रह्मचारिणियाँ बनें, अनेक गौरांगों को जन्म दें। संसार का भाग्य पूर्णतः आपके हाथ में है। संसार की सर्व कुंजी आपके पास है। स्वर्गिक आनंद के द्वार को खोलें, अपने घर में वैकुंठ लाएं, अपने बच्चों को अध्यात्म पथ का प्रशिक्षण दें। जब वे अल्प वयस्क हों तभी उनमें अध्यात्म का बीज रोपण करें। संसार की देवियों, क्या आप उच्चतर जीवन के लिए भव्य उद्दात तथा एकमात्र आत्ममय सच्चे जीवन के लिए प्रयास नहीं करेंगी? क्या इस भूतल पर जीवन की क्षुद्र भौतिक आवश्यकताओं से संतुष्ट हो जाना ही आपके लिए पर्याप्त है? क्या आपको स्मरण है कि मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या कहा था? उसने अपने पति से कहा था, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उस इस सारी पृथ्वी के धन को लेकर मैं क्या करूँगी? इस संसार की कितनी स्त्रियां इतनी निर्भीक हैं जो स्त्रियों के औपनिषदिक दर्श आदर्श के इस विवेकपूर्ण कथन को निश्चयपूर्वक कह सकें। अपने को संसार के बंधन में बांधना संसार की माताओं तथा बहनों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। परिवार, बच्चों तथा संबंधियों में उलझे रहना साहसी तथा विवेकी स्त्रियों का आदर्श नहीं है। संसार की प्रत्येक माता को आध्यात्मिक जीवन के सच्चे प्रकाश तथा वैभव के प्रति अपने को, अपनी संतति को, अपने परिवार तथा अपने पतिदेव को प्रबुद्ध करने में अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करना चाहिए। मदालसा क्या ही यशस्विनी माता थी! क्या उसने अपने बच्चों को स्नातकोत्तर परीक्षा पर अध्ययन करने और तदुपरांत कोई काम ढूंढने के लिए कहा था? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम चैतन्य हो, तुम निष्कलमश हो, तुम संसार की माया से मुक्त हो। ऐसी अद्वैत की शिक्षा मदालसा ने अपने बच्चों को पालने में झुलाते समय दी थी। वर्तमान जगत की कितनी माताओं को अपने बच्चों को ऐसे गंभीर ज्ञान की शिक्षा देने का सद्भाग्य प्राप्त है। इसके विपरीत वर्तमान काल की माताएँ तो यदि उनके बच्चों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति सूक्ष्म रूप में भी पाई गई तो उसे कुचल देने का प्रयास करेंगे। यह क्या ही खेदपूर्ण तथा दयनीय अवस्था है! माताओं तथा बहनों, जाग जाएं, अपनी प्रगाढ़ निद्रा से जाग जाएं, अपने उत्तरदायित्व को समझें, अपने को आध्यात्मिक बनाएं, अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं, अपने पतिदेव को भी आध्यात्मिक बनाएं, क्योंकि आप परिवार के निर्माता हैं। स्मरण रखें कि चुड़ाला ने किस प्रकार अपने पतिदेव को प्रबुद्ध किया था। आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप संसार के निर्माणकर्ता हैं, अतः अपना आध्यात्मिकरण करें। अपने में सुलभा, मैत्रेयी तथा गार्गी की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखें, कायर ना बने। अपने मांसल घरों से, भ्रांति के घरों से, मिथ्याभिमान के घरों से बाहर आ जाएं। आप सब सच्ची सन्यासिनी बने और सच्ची कीर्ति तथा महत्ता लाएं, क्योंकि यही सच्ची निर्भीकता तथा साहस है, यही सच्चा ज्ञान तथा समझ है। यही यदि किसी महिला में आध्यात्मिक अग्नि नहीं है, यदि वह आत्ममय उच्चतर जीवन से अनभिज्ञ है, तो वह महिला महिला नहीं है। स्त्री का कर्तव्य परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसका कर्तव्य परिवार से परे जाना भी है। उसका कर्तव्य साड़ियों, चूड़ियों, जैकेट, पाउडर तथा इत्र में नहीं है, और न उसका कर्तव्य अपने बच्चों को काम दिलाना ही है। उसके कर्तव्य का संबंध आत्मा से, ब्रह्म से भी है। ऐसी महिला भगवान की सच्ची प्रतीक है, वह सम्माननीय है, वह पूज्य है। ब्रह्मचर्य तथा शिक्षा पाठ्यक्रम। यदि आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली की हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से तुलना करें तो आपको इन दोनों में बड़ा अंतर मिलेगा। पहली बात तो यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यधिक व्ययपरक है।
संप्रति शिक्षा के नैतिक पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। गुरुकुल में प्रत्येक विद्यार्थी अकल्मष होता था, प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण नैतिक शिक्षा में दीक्षित होता था। यह प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक छात्र को प्राणायाम, मंत्रयोग, आसन, नीति संहिता, गीता, रामायण, महाभारत तथा उपनिषदों का ज्ञान होता था। प्रत्येक छात्र विनम्रता, आत्मसंयम, आज्ञाकारिता, सेवा तथा आत्मत्याग की भावना, सद्व्यवहार, शिष्टता, शालीनता तथा अंतिम किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण आत्मज्ञानोपलब्धि की कामना से संपन्न होता था। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक प्राणघातक त्रुटि। वर्तमान कालीन महाविद्यालय के विद्यार्थियों में उपर्युक्त सद्गुरु गुणों का सर्वथा अभाव है। आत्मनियंत्रण तो वे जानते ही नहीं। विलासमय जीवन तथा असंयम उनमें कौमारावस्था से ही आरंभ हो जाते हैं। अहंकार, धृष्टता तथा आज्ञोल्लंघन उनमें बद्धमूल होते हैं। वे पक्के नास्तिक तथा अत्यधिक विषयी बन गए हैं। बहुतों को तो अपने को आस्तिक कहने में लज्जा प्रतीत होती है। उनको ब्रह्मचर्य तथा आत्मनियंत्रण का ज्ञान नहीं है। भूषाचारी वेश, अवांछनीय भोजन, कुसंग, नाट्य गृहों तथा चलचित्र गृहों में प्रत्येक उपस्थिति तथा पाश्चात्य आचार व्यवहार के प्रयोग ने उन्हें निर्बल तथा कामी बना दिया है। ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, वैराग्य, मोक्ष संपदा, आत्मिक शांति तथा आनंद से वे सर्वथा अपरिचित हैं। भूषाचार, बनाव ठनाव, भोगवाद, स्वाद लोलुपता तथा विलासिता से उनके मन पर अपना अधिकार कर लिया है। महाविद्यालयों के कुछ छात्रों का जीवन वृत्त सुनने में अत्यंत दयनीय है। प्राचीन गुरुकुल में छात्र गण स्वस्थ, हृष्टपुष्ट तथा दीर्घजीवी हुआ करते थे। वास्तव में ऐसा पता चलता है कि भारत भर में छात्रों के स्वास्थ्य का ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त जिन अवगुणों तथा असद व्यवहारों से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, उनमें वृद्धि हो रही है। आधुनिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नैतिक संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जाती है। वर्तमान प्रणाली में शिक्षा के नैतिक पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की गई है। आधुनिक सभ्यता ने हमारे बालक बालिकाओं को अशक्त बना डाला है। वे कृत्रिम जीवन यापन करते हैं, बच्चे ही बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। कुलाचार परिभ्रष्ट हो चला है। चलचित्र एक अभिशाप बन गया है। यह काम वासना तथा मनोविकार को उद्दीप्त करता है। आजकल चलचित्रों में महाभारत तथा रामायण के आख्यानों का प्रदर्शन करते समय भी उनमें अभद्र दृश्य तथा अश्लील नाटकों का अभिनय किया जाता है। मैं एक बार पुनः बलपूर्वक दोहराता हूँ कि भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण तथा सशक्त सुधार की तत्काल आवश्यकता है। शिक्षा की कोई भी प्रणाली जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है तथा जिसके पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का अध्ययन अनिवार्य नहीं है, हिंदुओं के लिए उपयोगी ना होगी। उसकी विफलता अवश्यंभावी है। उनमें उपयुक्त शिक्षा पद्धति देने का जिन पर उत्तरदायित्व है, वे इस महत्वपूर्ण विषय से अनभिज्ञ हैं और यही कारण है कि शिक्षा में अनेक निष्फल प्रयोग हो रहे हैं। कुछ महाविद्यालयों के प्राध्यापक भूषाचारी पहनावा पहनने के लिए छात्रों पर बल देते हैं। यही नहीं, वे स्वच्छ किंतु सादे वस्त्र पहनने वालों को नापसंद भी करते हैं। यह बड़े खेद की बात है। स्वच्छता एक वस्तु है, फैशन अन्य वस्तु। तथाकथित फैशन सांसारिकता तथा विषयासक्ति में मूलबद्ध हो जाता है। जीवन में स्वच्छता शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए परमावश्यक है। लड़के तथा लड़कियां अज्ञानतावश शारीरिक अंगों के दुरुपयोग के कारण, जिससे जीवन शक्ति का निश्चित अपक्षय होता है, मौन रूप से कष्ट झेलते हैं। यह उनके सामान्य मानसिक तथा शारीरिक विकास में गतिरोध उत्पन्न करता है। जब मानव शरीर अपने स्वाभाविक स्रावों से वंचित कर दिया जाता है, तब स्नायविक ऊर्जा में भी तदनुरूप ह्रास अवश्य होता है। यही कारण है कि उन अंगों में
कार्य संबंधी रोग विकसित होते हैं। विनष्ट व्यक्तियों की संख्या वृद्धि पर है। नवयुवक रक्त क्षीणता, स्मरण शक्ति के ह्रास तथा दुर्बलता से पीड़ित होते हैं। उन्हें अपना अध्ययन बंद कर देना पड़ता है। रोग बढ़ते जा रहे हैं। औषधालयों में सहस्रों प्रकार के इंजेक्शन आ गए हैं। सहस्रों डॉक्टरों ने अपनी अपनी निदान शालाएँ तथा दुकानें खोल दी हैं, तथापि दुख प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को अपने उद्यमों तथा व्यवसायों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसका क्या कारण है? कारण ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह दुर्व्यसनों तथा अमर्यादित मैथुन के द्वारा वीर्य की क्षति है। यह दूषित मन तथा दूषित शरीर के कारण है। अध्यापकों तथा माता पिताओं के कर्तव्य। छात्रों को सदाचार के पथ का प्रशिक्षण देने तथा उनके चरित्र का समुचित रूप से निर्माण करने के महान कर्तव्य का दुर्बह भार विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों पर है। ब्रह्मचर्य में चरित्र निर्माण अथवा चरित्र का सम्यक गठन अंतर्विष्ट है। लोग कहते हैं कि ज्ञान शक्ति है, किंतु मैं अपने व्यवहारिक अनुभव से पूर्ण विश्वास के साथ यह बेखटके बलपूर्वक कहता हूँ कि चरित्र शक्ति है तथा चरित्र ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र का सम्यक निर्माण करने के लिए यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। आपका समग्र जीवन तथा जीवन में आपकी सफलता आपके चरित्र गठन पर ही पूर्णतया निर्भर है। इस संसार के सभी महापुरुषों ने अपनी महत्ता एकमात्र चरित्र के द्वारा ही प्राप्त की है। संसार के वैभवशाली महामनीषियों ने यश प्रतिष्ठा तथा सम्मान की विजयश्री चरित्र के द्वारा उपलब्ध की है। अध्यापकों को स्वयं पूर्ण नैतिक तथा शुद्ध होना चाहिए। उन्हें नैतिक पूर्णता से संपन्न होना चाहिए, अन्यथा अंधे नैवम नियमाना यथा अंधा की उक्ति चरितार्थ होगी। प्रत्येक अध्यापक को अध्यापन व्यवसाय अपनाने से पूर्व शिक्षा क्षेत्र में अपने पद के महान उत्तरदायित्व को अनुभव करना चाहिए। शुष्क भाषण देने की कला में बौद्धिक उपलब्धि ही प्राप्त नहीं होगी। एकमात्र यह एक ही कला प्राध्यापक को सुशोभित नहीं करेगी। जब छात्र प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होते हैं तब उनके स्थूल शरीर में कुछ विकास तथा परिवर्तन होने लगते हैं। वाणी बदल जाती है, नए आवेग तथा भाव प्रकट होने लगते हैं। स्वभावतः उनमें जिज्ञासा उठती है। वे गलियों में फिरने वाले लड़कों से परामर्श लेते हैं, उन्हें कुमंत्रणा मिलती है। वे अपनी दुर्वृत्तियों के द्वारा अपना स्वास्थ्य नष्ट कर डालते हैं। उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र तथा ब्रह्मचर्य, दीर्घायु प्राप्ति के उपाय तथा काम वासना के नियंत्रण की विधि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को महाभारत तथा रामायण से ब्रह्मचर्य तथा सदाचार संबंधी विविध कहानियाँ सुनाएं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य विषय की शिक्षा बहुधा देते रहें। यह उनका अत्यावश्यक कर्तव्य है। जब बालकों तथा बालिकाओं में तारुण्य के लक्षण दृष्टिगोचर हों तो उनके साथ स्पष्ट बात करना परमावश्यक है। इधर उधर की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। यौन संबंधी विषयों को गुप्त नहीं रखना चाहिए। यदि माता पिता अपने बच्चों से इस विषय की वार्ता करने में संकोच अनुभव करते हैं तो यह उनकी अयथार्थशालीनता होगी। इस विषय में चुप्पी साधने से किशोरों का कुतूहल उद्दीप्त ही होगा। यदि वे इन सब बातों को समय पर स्पष्ट रूप से जान जाते हैं तो वे निश्चय ही कुसंग के अपथगामी नहीं बनेंगे और न उनमें दुर्व्यसनों का विकास होगा। अध्यापकों तथा माता पिताओं को बालक तथा बालिकाओं को समुचित शिक्षा देनी चाहिए कि वे किस प्रकार ब्रह्मचर्य में शुद्ध जीवन यापन करें। उन्हें शालीनता तथा संकोच के अपने मिथ्या भाव से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। वे ही बालक तथा बालिकाओं की अज्ञानता के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। किसी अन्य बात की अपेक्षा इन विषयों की अज्ञानता के कारण अधिक क्षति हुई है। आप अज्ञानता का, इस मिथ्याशालीनता का कि लिंग तथा लैंगिक कार्य व्यापार की परिचर्चा नहीं करनी चाहिए, मूल्य चुका रहे हैं। अध्यापकों तथा माता पिताओं को किशोरों के आचार व्यवहार का सतत अवलोकन करना तथा उनके मन में ब्रह्मचर्य के पवित्र जीवन के परम महत्व को तथा अपवित्र जीवन के संकटों को बैठा देना चाहिए। उनमें ब्रह्मचर्य विषय की पुस्तिकाएं मुक्त रूप से वितरित करनी चाहिए। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में
चित्रदर्शी द्वारा ब्रह्मचर्य विषय, प्राचीन काल के ब्रह्मचारियों के जीवन तथा महाभारत और रामायण की कहानियाँ का नियमित रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों के नैतिक मापदंड को उन्नत बनाने तथा इसके लिए उन्हें उत्प्रेरित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। ही शिक्षकों तथा प्राध्यापकों, अब जाग जाइए। विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य, सदाचार तथा नैतिकता के पथ का प्रशिक्षण दीजिए। उन्हें सच्चे ब्रह्मचारी बनाइए। इस दिव्य कार्य की उपेक्षा न कीजिए। यह गुरुतर कार्य आपका नैतिक उत्तरदायित्व है, यह आपका योग है। यदि आप इस कार्य को यथोचित गंभीरता पूर्वक करें तो इससे आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। निष्ठावान तथा निष्कपट रहें। अब अपने नेत्र खोलें। बालकों तथा बालिकाओं को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाइए तथा उन विविध विधियों का प्रशिक्षण दीजिए जिनसे वे वीर का, अपने में प्रचंड आत्मशक्ति का परिरक्षण कर सकें। जिन अध्यापकों ने प्रथम अपने आप को अनुशासित कर लिया है, उन्हें चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों के साथ एकांतिक वार्ता करें तथा उन्हें ब्रह्मचर्य के विषय में नियमित रूप से व्यवहारिक शिक्षाएं प्रदान करें। श्रद्धेय एच पी पैकेनहैम वॉल्श, जो कुछ दशकों पूर्व एस पी जी महाविद्यालय चित्रीनापल्ली के प्रधानाचार्य थे और बाद में एक धर्माचार्य बिशप बने, अपने विद्यार्थियों के साथ ब्रह्मचर्य तथा आत्मसंयम विषय पर नियमित चर्चा किया करते थे। संसार का भावी भाग्य अध्यापकों तथा विद्यार्थियों पर पूर्णतया निर्भर है। यदि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उचित दिशा में धर्मपरायणता के पथ की शिक्षा दें तो संसार आदर्श नागरिकों, योगियों तथा जीवन मुक्तों से परिपूर्ण हो जाएगा, जो सर्वत्र प्रकाश, शांति, आनंद तथा सुख का प्रसार करेंगे। धन्य है वह जो अपने छात्रों को सच्चा ब्रह्मचारी बनाने के लिए वास्तव में प्रयास करता है, और उससे भी अधिक धन्य है वह जो सच्चा ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करता है। उन सब पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हो। अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा छात्रों की जय हो। कुछ आदर्श ब्रह्मचारी। हनुमान। हनुमान वायु देवता पवन से अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका हनुमान नाम हनुरुह नामक नगर पर रखा गया था, जिस पर उनके मामा शासन करते थे। हनुमान का शरीर वज्रवत दृढ़ था, अतः अंजना ने उनका नाम वज्रांग रखा। अनेक वीरोचित असाधारण कार्य करने के कारण वह महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बलभीम तथा मारुति उनके अन्य नाम हैं। विश्व में हनुमान के समान महान वीर न अभी तक हुआ है और न भविष्य में होगा। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक चमत्कार तथा बल और पराक्रम के अतिमानवीय असाधारण कार्य किए। उन्होंने अपने पीछे ऐसा नाम छोड़ा है जो जब तक इस संसार का अस्तित्व रहेगा तब तक लाखों लोगों के मन पर अपना सशक्त प्रभाव डालता रहेगा। हनुमान सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। वह एकमात्र ऐसे विलक्षण विद्वान हैं जिन्हें 9 व्याकरणों का ज्ञान है। उन्होंने सूर्यदेव से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वह ब्रह्मचर्य के मूर्त रूप हैं। वह ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ बली तथा वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। वह रुद्र की शक्ति हैं। जो हनुमान का ध्यान तथा उनके नाम का जप करता है उसे जीवन में बल, सामर्थ्य, गौरव, वैभव तथा सफलता प्राप्त होती है। वह भारत के सभी भागों में, विशेषकर महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। हनुमान में स्वेच्छानुसार रूप धारण करने की सिद्धि थी। वे अपने शरीर को अति बृहत और अंगूठे के नख के बराबर लघु बना सकते थे। उनमें अलौकिक बल था। वह राक्षसों के लिए आतंक थे। वे चारों वेदों तथा अन्य शास्त्रों में सुनिष्णात थे। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके पराक्रम, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान तथा अतिमानवीय बल से आकर्षित हो जाता था। उनमें असाधारण युद्ध कौशल था। हनुमान श्री राम के प्रवर दूत, सैनिक तथा सेवक थे। वह भगवान राम के उपासक तथा भक्त थे। राम उनके लिए जीवन सर्वस्व थे। वह राम की सेवा के लिए जीते थे।
राम में जीते थे तथा राम के लिए जीते थे। वह सुग्रीव के मंत्री तथा घनिष्ठ मित्र थे। हनुमान का जन्म परम मांगलिक दिवस मंगलवार को चांद्रमास चैत्र की अष्टमी को प्रातःकाल हुआ था। उन्होंने अपने जन्म से ही अपने असाधारण बल का परिचय दिया तथा अनेक चमत्कार किए। वे अपनी शैशवावस्था में सूर्य को खा जाने के लिए छलांग लगाकर उन तक पहुंच गए और उन्हें पकड़ लिया। इससे समस्त देवता अत्यधिक व्याकुल हुए। वे करबद्ध हो शिशु के पास आए। उन्होंने सूर्य को मुक्त कर देने के लिए उनसे विनती से प्रार्थना की। शिशु ने उनकी प्रार्थना पर सूर्य को छोड़ दिया। हनुमान के एक अपराध के लिए एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वह जब तक श्री राम के दर्शन तथा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक उन्हें अपनी महती शक्ति तथा पराक्रम की स्मृति नहीं रहेगी। हनुमान की श्री राम के साथ प्रथम भेंट किष्किंधा में हुई, जब श्री राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज में वहां आए थे जिन्हें रावण हर कर ले गया था। हनुमान ने ज्यों ही श्री राम को देखा उन्हें अपनी शक्ति तथा पराक्रम का स्मरण हो आया। हनुमान ने संपूर्ण लंका जला डाली तथा राम को सीता का समाचार दिया। राम तथा रावण के मध्य हुए महायुद्ध में हनुमान ने राक्षस सेना के अनेक वीरों का संहार किया। उन्होंने अनेक अलौकिक कार्य किए। विशाल पर्वत को उठाकर ले जाना तथा अन्य बड़े बड़े कार्यों को करना हनुमान के लिए कुछ भी नहीं था। यह सब ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण ही था। महायुद्ध समाप्त होने पर विभीषण लंका के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए। वनवास की अवधि पूर्ण हो गई। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान पुष्पक विमान पर बैठकर समय पर अयोध्या पहुंच गए। श्री राम का राज्याभिषेक समारोह बड़े हर्षोल्लास तथा धूमधाम से किया गया। सीता ने हनुमान को एक मुक्ताहार भेंट किया। महाभाग राम भक्त हनुमान की जय हो। महावीर निर्भीक योद्धा तथा ज्ञानवान ब्रह्मचारी आंजनेय की जय हो। जय हो जिनके समान संसार में अभी तक न कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। हम सब उनके आदर्श ब्रह्मचर्यमय जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। आप सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए हम उनकी महिमा का गान करें। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण दशरथ की द्वितीय रानी सुमित्रा के पुत्र तथा श्रीराम के अनुज थे। वह आदिशेष के अवतार थे। वह राम के सुख दुख में निरंतर साथी थे। राम और लक्ष्मण एक साथ रहते, खाते, पीते, खेलते तथा पढ़ते थे। उनमें से कोई भी एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकता था। लक्ष्मण श्री राम के लिए प्रिय सेवक भी थे। वे राम की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करते थे। वे पूर्ण रूप से राम की आज्ञा में रहते थे। लक्ष्मण में शुद्ध तथा निष्कलंक भ्रातृप्रेम था। उनके जीवन का उद्देश्य अपने अग्रज भ्राता की सेवा करना था। अपने भाई की आज्ञाओं का पालन उनके जीवन का आदर्श वाक्य था। वे राम की अनुमति प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं करते थे। वे श्री राम को अपना ईश्वर, गुरु, पिता तथा माता मानते थे। वे हृदय से बिल्कुल निस्वार्थ थे। उन्होंने केवल अपने भाई की संगति के लिए स्वेच्छा से राजसी जीवन की सभी सुख सुविधाएँ त्याग दीं। वे सभी संभाव्य उपायों से राम का हित साधन करते थे। उन्होंने राम के हित को अपना हित बना लिया था। उन्होंने भ्रातृप्रेम की वेदी पर अपने प्रत्येक विचार का बलिदान कर दिया। श्री राम उनके जीवन सर्वस्व थे। वे राम के लिए किसी भी वस्तु का, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग कर सकते थे। उन्होंने श्री राम तथा सीता के वनवास काल में उनका अनुगमन करने के लिए क्षण मात्र में अपनी माता, पत्नी तथा राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। क्या ही उदार चेता आत्मा थी। कितने महान त्यागी थे वे। ये अपने भ्राता की सेवा मात्र के लिए जीवन यापन करने वाली निष्प्रिय उदारधि तथा भक्त आत्मा का समस्त विश्व इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण है। इसी कारण से रामायण के पाठक लक्ष्मण कि उनके पवित्र तथा अद्वितीय भ्रातृप्रेम के लिए प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग
भरत की प्रशंसा करते हैं तो अन्य लोग हनुमान की सराहना करते हैं, किंतु लक्ष्मण किसी भी रूप में भरत तथा हनुमान से हीन नहीं थे। यद्यपि लक्ष्मण वन के संकटों से भली भांति अवगत थे, तथापि उन्होंने 14 वर्ष की दीर्घावधि तक श्री राम का अनुसरण किया। यद्यपि विश्वामित्र को उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, तथापि वह धनुष बाण लेकर राम के साथ गए। यह सब कुछ उन्होंने अपने भ्राता श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा तथा प्रेम के कारण किया। श्री राम भी लक्ष्मण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखते थे। जब लक्ष्मण मेघनाद के सांघातिक बाण से आहत हो मूर्छित होकर गिर पड़े तो राम का हृदय विदीर्ण हो गया। वह विलाप करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि अपने प्रिय भाई को खोकर वे अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा, भले ही सीता जैसी धर्मपत्नी मिल जाए, कितनो लक्ष्मण की भांति सच्चा निष्ठावान भाई अलभ्य है। अपने भाई के बिना यह संसार मेरे लिए असार है। लक्ष्मण मन वाणी तथा कर्म से पवित्र थे। उन्होंने वनवास की 14 वर्ष की अवधि में आदर्श ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया। उन्होंने सीता के मुख अथवा शरीर पर कभी दृष्टिपात नहीं किया। उनके नेत्र सीता जी के चरण कमलों की ओर ही केंद्रित रहते थे। जब सुग्रीव सीता के उन उत्तरीय वस्त्रों तथा आभूषणों को लाए जिन्हें सीता ने अपहरण के समय बंदरों को पर्वत पर बैठे देखकर ऊपर से गिरा दिया था, तब राम ने उन्हें लक्ष्मण को दिखाया और पूछा कि क्या वे उन्हें पहचानते हैं। लक्ष्मण ने कहा, नाहम जानामि केयूरे, नाहम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। किष्किंधा कांड षष्ठ सर्ग 22। मैं ना तो केयूर को पहचानता हूँ और ना कुंडल को ही, मैं तो नूपुरों को ही पहचानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य ही उनकी चरण वंदना करता था। देखिए लक्ष्मण सीता को कैसे माता अथवा देवी के रूप में पूज्य मानते थे। रावण के पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय के कारण मेघनाद इंद्रजीत के नाम से भी ज्ञात था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति कम से कम पूरे 14 वर्ष तक सभी प्रकार के विषयोपभोग से अलग रहा हो, उसके अतिरिक्त अन्य सभी के लिए वह अपराजेय रहेगा। वह अविजेय था, किंतु लक्ष्मण ने अपने ब्रह्मचर्य बल से उसका संहार किया। हे लक्ष्मण, हम सदा ही आपकी महिमा का गान करते हुए मुहुर्मुहु कहेंगे, राम लक्ष्मण जानकी जय हो, बोलो हनुमान की। आप हमारे प्रिय भगवान राम से अपने प्रिय भ्राता तथा स्वामी से हमारा भी परिचय करा दीजिए। भगवान राम के साथ वार्तालाप करने में हमारी भी सहायता कीजिए। हे लक्ष्मण, अज्ञानांधकार में भटक रहे इन नए साधकों पर सदा दयालु बने रहिए। हमें सफलता का रहस्य बतलाइए तथा आजीवन निष्ठावान ब्रह्मचारी बने रहने में हमारी सहायता कीजिए। हे सुमित्रा वत्स तथा श्री राम की आँखों के तारे लक्ष्मण, मैं पुनः आपकी वंदना करता हूँ। भीष्म। भीष्म के पिता शांतनु थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे। उनकी माता गंगा देवी थी। उनका पूर्व नाम देवव्रत था। वह वसु देवता के अवतार थे। एक दिन शांतनु यमुना नदी के तट के निकटवर्ती एक वन में आखेट के लिए गए। वहाँ उनकी भेंट एक रूपवती कुमारी से हुई। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं निषाद राज दाशराज की पुत्री हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैं उनकी आज्ञा से यहाँ यात्रियों को नदी पार कराने के लिए नौका चलाती हूँ। महाराज शांतनु ने उससे विवाह करना का प्रस्ताव रखा। दाशराज के पास जाकर उन्होंने उसकी अनुमति मांगी। निषाद राज ने कहा, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने को सहर्ष तैयार हूँ, किंतु विवाह से पूर्व आपको एक वचन देना होगा। राजा ने पूछा, दाशराज वह क्या है? मेरे अधिकार में जो है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। निषाद राज ने कहा, मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु निषाद राज को यह वचन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनके शूरवीर तथा बुद्धिमान पुत्र देवव्रत को, जिससे उन्हें अत्यधिक प्रेम था, राज सिंहासन का परित्याग करना पड़ता। तब वह युवराज नहीं रह सकते।
किंतु वे उस कन्या के लिए कामाग्नि से विदग्ध हो रहे थे। वह बड़े धर्म संकट में थे, वे पीले पड़ गए और राजकाज में उनकी रुचि न रही। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मुख्य अमात्य से अपने हृदय की बात खोल दी, किंतु वे इस विषय में कुछ मंत्रणा ना दे सका। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से उस कन्या के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने का प्रयास करते रहे। देवव्रत धीमान तथा बहुत बलवान थे। उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके पिता दुखी हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा, परम प्रिय पिताजी, आप संपन्न हैं, आपको सब कुछ प्राप्त है, आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। आप अब उदास क्यों हैं? आप अपना ओज तथा बल खो रहे हैं। आप कृपया अपनी व्यथा का कारण बतलाइए, मैं उसे यथाशक्ति दूर करने को सदा तैयार हूँ। राजा ने उत्तर दिया, वत्स देवव्रत, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, यदि तुम पर कोई विपत्ति आई तो मैं पुत्रहीन हो जाऊँगा, मैं स्वर्ग से वंचित रह जाऊँगा। तुम 100 पुत्रों के तुल्य हो, इसी से मैं पुनः विवाह नहीं करना चाहता, किंतु ऋषियों के कथनानुसार एक पुत्र संतानहीनता के ही तुल्य है। यही विचार मेरे मन को चिंताग्रस्त बनाए रखते हैं। तदनंतर देवव्रत वृद्ध मंत्री तथा कई सम्मान्य क्षत्रिय सामंतों के साथ दाशराज के पास गए तथा अपने पिता की ओर से उससे प्रार्थना की और अपने पिता के लिए उसकी कन्या विवाह में मांगी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे सौम्य राजकुमार, मैंने पहले ही आपके पिता को उस शर्त के विषय में बतला दिया है जिस पर मैं अपनी कन्या को उन्हें विवाह में दे सकता हूँ। देवव्रत ने कहा, निषादराज, मैं अब यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे पिता के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। तुम जो कुछ चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। निषादराज ने कहा, मैं आपके भद्र चरित्र तथा उच्च आदर्श की बहुत कदर करता हूँ, किंतु मेरे मन में एक बड़ा भारी संशय यह है कि आपके पुत्र मेरी पुत्री के लड़के को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय निष्कासित कर सकते हैं। देवव्रत ने प्रार्थना की, हे सत्य, मुझ में सदा निवास कीजिए, आइए और मेरी संपूर्ण सत्ता में व्याप्त हो जाइए। मैं अभी इन लोगों की उपस्थिति में जो अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ उसमें अडिग बने रहने की अंतः शक्ति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ निषादराज से कहा, हे दाशराज, मेरी यह बात ध्यानपूर्वक सुनो। आज से मैं आजीवन पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन यापन करूंगा। संसार की सभी स्त्रियां मेरी माताएं हैं। मैं हस्तिनापुर के राजा की परम समर्पित राजभक्त प्रजा हूं। पुत्रहीन के रूप में मरने पर भी मुझे शाश्वत आनंद तथा परम अमरत्व का धाम प्राप्त होगा। उस समय अंतरिक्ष से अप्सराओं, देवताओं तथा ऋषियों ने उन पर पुष्प वृष्टि की और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं। निषादराज ने कहा, राजकुमार, मैं अब अपनी कन्या आपके पिता को विवाह में देने को पूर्णतया तैयार हूँ। तत्पश्चात निषादराज तथा उसकी पुत्री देवव्रत के साथ शांतनु के राजमहल में गए थे। वृद्ध मंत्री ने राजा को यह सब घटना कह सुनाई। वहाँ सभा भवन में एकत्रित सभी राजाओं ने देवव्रत के असाधारण आत्म बलिदान तथा आत्मत्याग की भावना की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, देवव्रत वास्तव में भीष्म हैं। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। राजा शांतनु अपने पुत्र के प्रशस्त व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा, देवगण तुम्हारी रक्षा करें, जब तक तुम जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। क्या ही उत्तम व उन्नत आत्मा! यह उद्दात उदाहरण विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। इस भूतल पर भीष्म के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी ऐसी कुमारावस्था में पुत्रोचित कर्तव्य के लिए इतना महान आत्मत्याग नहीं किया है। भीष्म के पुत्रोचित कर्तव्य तथा धर्मपरायणता की तुलना भगवान राम के पुत्रोचित कर्तव्य तथा धर्मपरायणता से भली भांति की जा सकती है। भीष्म अपने सिद्धांतों में बहुत ही अडिग थे। उनमें स्वार्थपरता का अल्पतम पुट भी न था। वे आत्मत्याग तथा आत्म बलिदान के मूर्त रूप थे। उन्हें जिन कठोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा उन सब में उनकी सहिष्णुता तथा उनका धैर्य आश्चर्यकर और अभूतपूर्व था। वे शौर्य तथा साहस में अद्वितीय थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। सभी क्षत्रिय सामंत उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे।
वे एक महान योगी तथा ऋषि थे। वे शरीर चेतना से ऊपर उठे हुए थे। वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित थे। यही कारण था कि शरीर भर में तीक्ष्ण बाणों से विद्ध होने पर भी वे शांत तथा अनुद्विग्न बने रहे। तीक्ष्ण शरशैया पर, जो उनके लिए पुष्पशैया के समान ही कोमल थी, लेटे हुए उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक विषयों का उत्कृष्ट उपदेश दिया। क्या आपने कभी विश्व इतिहास में भीष्म के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जो अपनी मृत्युशैया पर से गंभीर तथा उदात्त उपदेश दे सका हो? भीष्म ने अपना जीवन परार्थ उत्सर्ग कर दिया। वह दूसरों की सेवा करने तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए जीवित रहे। परम संकल्प शक्ति वाले उन्नत आत्मा भीष्म का उदात्त जीवन शांति पर्व में उनके उपदेशों का पाठ करने वाले हृदयों में अभी भी उत्कृष्ट गुणों की प्रेरणा भरता है। भीष्म की मृत्यु हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, किंतु महाभारत के शांति पर्व में उनकी वाणी तथा उनका आदर्श और उन्नत जीवन प्रगाढ़ निद्रा में पड़े हुए लोगों को कर्म धर्म परायणता, कर्तव्य तथा विचारणा, कठोर तप तथा ध्यान के प्रति आज भी उद्वेलित करता है। भीष्म की जय हो, जिनका अनुकरणीय ब्रह्मचर्य में जीवन आज भी हमारे हृदयों में प्रेरणा प्रदान करता है तथा हमारे मन को दिव्य महिमा और वैभव के उत्तुंग शिखर तक उन्नत बनाता है।